आपकी बैग पे तो लगा हुआ है ना पोस्टर। आदाब, वेलकम टू द थर्ड पैनल ऑन एस्थेटिक वाइटनेस इन आर फिफ्थ पोस्ट कॉलोनियल हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हियर एट हबीब यूनिवर्सिटी। आई एम नोमान नकवी, आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज। एज आई सेड एट द एंड ऑफ द पैनल यस्टरडे लास्ट नाइट हियर इन कराची, दिस पैनल विल बी इन उर्दू प्राइमरीली, सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू उर्दू नाउ। हबीब यूनिवर्सिटी की पाँचवीं माबाद नौबादियाती आला तालीमी कॉन्फ्रेंस में हमारी तरफ से आपको खुश आमदीद। मेरा नाम नुमान नकवी है और मैं यहाँ हबीब यूनिवर्सिटी के शोबा बराए तकाबली अदबियात में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का चेयर भी। इस साल हमारी कॉन्फ्रेंस का मौजू है जनूबी एशिया में सफ़ेद फार्म परस्ती, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान। माबाद नौबादियाती तहकीक और हमारे खित्ते के बड़े मुफक्किर जनाब पार्थो चैटर्जी अपनी मुस्तनद किताब नौबादियाती दुनिया में कौम परस्ताना फिक्र यानी नेशनलिस्ट थॉट इन द कॉलोनियल वर्ल्ड के आखिरी बाब में इस मोहतात उम्मीद का इजहार करते हैं कि अपनी तमाम तर कोताहियों के बावजूद नौबादियात मुखालिफ कौम परस्ती कम अज़ कम खुल्लम खुल्ला सफ़ेद फार्म परस्ती का सदबाब करने में कामयाब हो गई होगी। पार्थो चैटर्जी की इस किताब की इशात के अब 30 बरस बाद ये उम्मीद भी खत्म नजर होती आती है, जैसा कि यूक्रेन की जंग की कवरेज में हाल में खूब देखने को आ रहा है। बज़ाहिर सफ़ेद फार्म परस्ती की जदीद दुनिया में जड़ें नौ आबादियात मुखालिफ और माँ आबाद नौ आबादियाती मकतबाए फिक्र दोनों की तवक्कोआत से कहीं ज़्यादा गहरी है, और ऐसा न सिर्फ मगरब में है जहाँ हाल में सफ़ेद कौम परस्ती का कमाल अहिया देखने में आ रहा है, बल्कि माबाद नौबादियाती यानी कि तीसरी दुनिया में भी सकाफती, इक्तिसादी और सियासी तसव्वुरात और मुस्तकबिल के खाकों पर सफ़ेद फार्म परस्ती हावी है। हर तरफ फैली हुई जिल्द को गोरा करने वाली क्रीमें, तरकीबें महज इसकी एक अलामत हैं। मामला दरअसल हमारे वजूद के कोने कोने में फैला हुआ है। बज़ाहिर जदीद आलमी निज़ाम में सफ़ेद फार्म परस्ती ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरीकों से हमारी ज़बान व कलाम, हमारे तखय्युल, हमारे जदीद इक्तदार की नस नस में सिरायत किए हुए है, जो कि ना तो सिर्फ इंसानी माशरों के लिए तबाहकुन अमर है, बल्कि अब तो वाज़े हो चुका है कि इस पूरे कुर्राए अर्ज़ और इस पर बसने वाले तमाम हैवानात और नबातात के वजूद को ख़तरा है। हबीब यूनिवर्सिटी की इस पाँचवीं माबाद नौबादियाती आला तालीमी कॉन्फ्रेंस का मकसद खासकर जुनूबी एशिया के इन तीन ममालिक यानी इंडिया, ईरान और पाकिस्तान में सफ़ेद फार्म परस्ती का मुतफरक इलाकों और शोबों में जायज़ा लेना है। परसों शब का कॉन्फ्रेंस का पहला पैनल सफ़ेद फार्म परस्ती और नौ आबादियाती हुकूमत पर था, जिसमें दिखाया गया कि नौ आबादियाती दौर में हुकूमत के ज़रिए से कायम की गई नस्ली दर्जा बंदी आज भी आलमी निज़ाम में सिरायत किए हुए है। फिर कल शाम के पैनल का मौजू था सफ़ेद फार्म परस्ती और माबाद नौबादियाती कौम परस्ती, जिसमें हमने देखा कि नौबादियात मुखालिफ कौम परस्ती के दौर में और आज़ादी के बाद की चंद दहाइयों में मुख्तलिफ हिंदुस्तानी और अफ्रीकी अफराद और तहरीकों ने सफ़ेद फार्म परस्ती के निज़ाम के खिलाफ आपस में फिक्री और अमली रवाबित कायम किए, और दूसरी तरफ ये देखा कि जदीद ईरानी कौम परस्ती ने किस हैरत अंगेज हद तक सफ़ेद फार्म परस्ती को अपनाया। वाकई ये सुनने से ताल्लुक रखता है नासिर साहब। आज इस पैनल का मौजू है जमालियाती सफ़ेद फार्म परस्ती, जिसमें हम अदबियात और मौसीकी में सफ़ेद फार्म परस्ती के असरात का जायज़ा लेंगे। मेरे लिए बड़ी खुशी की भी बात है और एजाज की भी कि हमारे साथ प्रोफेसर नासिर अब्बास नैयर और मेरे अजीज़ कॉलीग दानियाल अहमद भी हैं। प्रोफेसर नासिर अब्बास नैयर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मगर मुख्तसर सा तारुफ बहरहाल मैं सामईन के लिए करूँगा। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर मुमताज़ नक्काद और अफसाना निगार हैं। वो उर्दू में माबाद नौबादियाती मुतालियात के बुनियाद गुजार हैं। इनकी तनकीदी कुतुब में जदीद और माबाद जदीद तनकीद, मजीद अमजद, हयात, शेरियात और जमालियात माबाद नौबादियात उर्दू के तनाजुर में उर्दू अदब की तश्कील जदीद, जिसको दो मरतबा अवार्ड मिल चुके हैं,
उसको एक शख्स समझना तो मुनासिब ही नहीं। ये मीरा जी पे इनकी किताब है, वो भी अवार्ड याफ्ता है। नज़म कैसे पढ़ें शामिल हैं, और इसके अलावा बहुत सारी किताबें जिस हिसाब से हम लोग किताबें पढ़ते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से नासिर साहब किताबें लिखते हैं। इन कुतुब के अलावा उनके अफसानों के चार मजमूए, गालिबन अब तो और भी ज़्यादा हो चुके होंगे मजमूए भी शाया हो चुके हैं। वो उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर जनरल के अहदे पर फायज रहे हैं और आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू से वाबस्ता हैं। दूसरी तरफ ये मेरे कॉलीग दानियाल अहमद हबीब यूनिवर्सिटी के शोबा बराए मेरे साथ हैं, शोबा बराए तकाबली अदबियात में लेक्चरर हैं। दानियाल अहमद मौसीकार हैं, माहिर बशरियात यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, क्यूरेटर हैं और प्रोड्यूसर हैं। वो आवाज़ और सकाफत के आपसी रिश्ते पर तहकीक कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं यानी अमल भी करते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग जर्मनी के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट से एमए किया था, जहां उन्होंने बशरियात यानी एंथ्रोपोलॉजी और तारीख का मुताला किया। उनको आवाज़ से भी दिलचस्पी है, आवाज़ से यानी मौसीकाना आवाज़ और गैर मौसीकाना आवाज़ दोनों, और साथ साथ सौती क्या कहना चाहिए उर्दू में, लिसनिंग कल्चर्स यानी सौती सकाफतें यानी सुनने की मुख्तलिफ सकाफतें जो है उनसे उनको ज़बानी तारीखों में दिलचस्पी है। उसके अलावा मौसीकी के मुख्तलिफ निज़ाम और मौसीकी का मुख्तलिफ सकाफतों में लेन देन। तो इस मुख्तसर से तारुफ के साथ मैं पहले प्रोफेसर नासिर अब्बास नैयर से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे मौजू पर अदब के हवाले से रोशनी डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नौमान नकवी साहब, आपने मुझे इस पांचवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मुझे याद आ रहा है कि जब ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी हबीब यूनिवर्सिटी में आज से चंद साल पहले, तो आसिफ रखी साहब वहाँ मौजूद थे और आप भी मेरे ख्याल उस वक्त वहाँ थे, मुझे याद पड़ता है। तो उसमें भी मुझे शिरकत का एक मौका मिला था जिसमें गायत्री चक्रवर्ती तशरीफ लाई थी, तो वो और मुझे खुशी है कि एक दफ़ा फिर मैं उसी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ। उस दफ़ा उस वक्त तो किसी और मौजू पर मैंने गुफ्तगू की थी, और आज का जो मौजू आपने रखा है ये बहुत ही अहम मौजू है, लेकिन बदकिस्मती से इस मौजू पर इससे पहले कोई बात भी नहीं हुई और कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं गया। यानी कलोनियलिज्म पे तो लिखा गया, उसके असरात लिखे गए हैं, लेकिन उसमें किस तरह जो एक नस्ल परस्ताना जो रवैये हैं वो किस तरह सरायत कर गए हैं अदब में, और किस तरह हमारी शनाख्त में, और जिस अदब को हम पढ़ते हैं उस अदब की अंदर की जो शरियात है उसमें वो नस्ल परस्ताना रवैये किस तरह आए हैं, इसका मुताला नहीं किया गया। तो अगरचे जो आपने चंद किताबों का जिक्र किया, उन किताबों में मैंने इस मौजू पे कुछ लिखा है। अभी मैं किताब देख रहा था अपनी मुमाबात नौ आबादियात, उसमें जुबान 2013 में आई थी, आज से कोई 9 साल पहले, तो उसमें कुछ हिस्से इसमें उस वक्त आए थे। इसका मतलब ये कि जब भी हम नौ आबादियात का या इस्तेमारियत का तस्वुर करते हैं तो उसके साथ ही जो एक नस्ल परस्ती है और सफेद फाम परस्ती है ये उसका एक लाजमी हिस्सा है। ये हो नहीं सकता कि आप इस मौजू पे लिखें और ये उसमें जेर बहस ना आए और इसके जो असरात पड़े हैं हमारी तारीख पर, हमारे जिस आपने कहा कि जो सफेद फाम परस्ती है ये कोई एक अकेडेमिक मौजू नहीं है, बल्कि ये हमारी जो हकीकी जिंदगी है और हमारा जो वजूद है उसके कोने कोने में छाए हुई है। कुछ आपने आम जिंदगी से मिसालें भी दी हैं कि हमारे यहाँ आज भी जो हुस्न की अलामत है वो गोरा रंग है, और उसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते, उससे जो सरमायादाराना एक निज़ाम है वो इससे कितने एक फायदे उठाता है इस रंग गोरा करने वाली करीमों से। लेकिन इसके अलावा इसके बेशुमार मज़ाहिर हैं जिनमें आपने कौम परस्ती का एक मौजू लिया, उसकी तरफ बताया कि इस सफेद फाम परस्ती का लाजमी एक नतीजा जो है वो कौम परस्ती, और वो कौम परस्ती किस तरह हमारी तारीख पर असरअंदाज हुई और किस पे उसने हमारी हकीकी जिंदगियों को बुरी तरह मुतासर किया है। आज हमारी जिंदगी के बहुत से जो बड़े बड़े मसाइल हैं
उनमें अगर हम उसका तजजिया करें तो हम देख सकते हैं। आपके सामने मैं एक छोटा सा ये जो मजमून पेश करने जा रहा हूँ इसमें मैं गुफ्तगू भी करता रहूंगा। तो ये उर्दू अदब में जिस तरह सफेद फाम जमालियात मैंने देखा वो आई है और इसके जो असरात आए हैं इसको समझने की कोशिश है। ज्यादातर ये मजमून 19वीं सदी से मुतालिक है लेकिन चूंकि उस मौजू पे पहले लिखा नहीं गया इसलिए मैंने उस 19वीं सदी को बनाया है मौजू कि इब्तदा में जब हमारे यहाँ जदीद कौमी अदब आया है तो उसके साथ किस तरह ये सफेद फाम जमालियात उसका हिस्सा किस तरह बनी है और आगे वो अब तक चली आ रही है किस तरह। इसका उनवान मैंने रखा है अकबर अलाबादी का एक मिसरा लिया है कि नेटिव की क्या सनद है साहिब कहें तो मानू, ये मिसरा लिया है, इस मिसरे को उनवान बनाया है। अकबर अलाबादी के जिस तंजिया मिसरे से इस तहरीर का आगाज किया गया है वो सफेद फाम जमालियात के अजारे से मुतल्लिक कुछ अहम पहलुओं की निशानदेही करता है। पहले पूरा शेर सुनिए। मेरी नसीहतों को सुनकर वो शोख बोला, मेरी नसीहतों को सुनकर वो शोख बोला, नेटिव की क्या सनद है साहिब कहे तो मानो। यही शोख यानी महबूब पहले भी शोखी और शरारत किया करता था मगर वो कुछ और किस्म की शरारतें होती थी। मिसाल के तौर पर निजाम रामपुरी का शेर है कि लिपटा के शब वसल वो उस शोख का कहना, लिपटा के शब वसल वो उस शोख का कहना कुछ और हवस इससे ज्यादा तो नहीं है। तो ये एक और तरह की मासूम सी शरारत थी लेकिन अब जमाना बदल गया है, माशूक को भी इल्म हो गया है कि उसका आशिक अब पहले जैसा आजाद हिंदुस्तानी नहीं रहा, वो नेटिव है, महकूम है और नेटिव की कोई सनद नहीं होती। सनद साहिब यानी गोरे की है। नेटिव और साहब या साहिब या गोरा जैसे अल्फाज सफेद फाम जमालियात के मजर हैं जो दरअसल नस्ल परस्ताना जमालियात है। हिंदुस्तानियों को नेटिव कहकर दरअसल उनके लिए एक अलग शनाख्ती जुमरा बनाया गया जो सफेद फाम यूरोपियों के शनाख्ती जुमरे से हर लिहाज से मुख्तलिफ है। नेटिव अपने लोगवी मानी में मकामियत जमीन असल से वाबस्ता शख्स है मगर इस्तेमारी तनाजर में यही नेटिव अपनी ही जमीन पर अजनबी अपनी देसी शनाख्त से कटा हुआ और अपनी असल से बरगश्ता है यानी एलिनेटेड है। नेटिव हर तरह की आयरनी का शिकार शख्स है। वो अपनी जमीन का हुक्मरान होना तो कुजा इज्जत और आबरू से जीने के हक से भी महरूम है। अब यही आज का नेटिव अगर आप समझे तो बाहर वो अपनी जमीन पर है लेकिन उसी जमीन पर आज भी वो इसे इज्जत और आबरू से हासिल नहीं है। आज भी उसकी जिंदगी के सारे फैसले वही सफेद फाम दुनिया में होते हैं। उसका ना अपनी जमीन पर इख्तियार है ना अपनी शनाख्त पर और ना अपनी जुबान पर। गोया नेटिव वही है जिसका अपना कहा मोतबर नहीं रहा बल्कि वो सफेद फाम आका की सनद का मोहताज हो गया है। खुद उसके हम वतन उसके प्यारे उसके कहे का एतबार नहीं करते। आज भी हम जब हमें वैलिडेशन चाहिए होती है तो हम बाहर को लाते हैं, बाहर की सनद लाते हैं, हमारे अपने जो है वो हमारा हमारा एतबार नहीं करते। आप अगर किसी शोबे में जाते हैं अगर आम माहौल है ना तो जब तक आपको बाहर की सनद नहीं मिलती, जब आपको कोई बाहर का बड़ा इनाम नहीं मिलता, बड़े अदीब नहीं बनते। आपकी वैलिडेशन किसी भी शोबे में जब बाहर से नहीं होती, आप जिसको आलमी दुनिया कहते हैं जो दरअसल सफेद फाम दुनिया है, तो आपको नहीं लगता कि इस आदमी ने कोई काम किया या इसके कहे का कोई एतबार है या इसके कहे की कोई हैसियत है। सफेद फाम आका ने सिर्फ जमीन को नहीं इस जमीन के बाशिंदों के जहनों दिलों और उनके एतबार गुमान की सब सूरतों को भी इस्तेमारी आसेब का शिकार कर लिया है यानी कोलोनाइज कर लिया है। दूसरे लफ्जों में सफेद नस्ल परस्ती महज तकबर व तासब से इबारत नहीं, वो है, ये तो है, उसमें तकबर भी है और तासब भी है, और न महज सियासी हिकमत अमली तक महदूद रही थी बल्कि वो हकीकी तबई जहनी यानी उलूमी और तखयली यानी फनून की दुनियाओं में सरायत कर गई थी। तो ये सफेद फाम जमालियत को जो मौजू बनाया गया उसकी वजह ये है कि वो सफेद फाम जमालियत ये सफेद फामी जो है वो सिर्फ सियासत तक नहीं है, वो बल्कि अदब और उसके कल्चर उसमें भी ये सरायत कर गई है। असल में इस्तेमारियत दो दुनियाओं का तसव्वुर करती है, एक सफेद है और एक स्याह। स्याह दुनिया इसलिए मौजूद है कि उससे मुसख़र किया जाए, उसके चप्पे चप्पे पर सफेद दुनिया साया फगन रहे। इसीलिए फ्रांस फैनन ये कहता है, जाहिर पुरानी बात है अभी थोड़ी होगी लेकिन आज भी ये दुरुस्त सकती है, कि स्याह फाम आदमी की रूह सफेद आदमी की कारीगरी है। यानी जो स्याह फाम है अगर कोई रूह रखता है तो उसको जो इंजीनियर किया है उसका जो आर्किटेक्ट है वो दरअसल सफेद आदमी है। जिसकी रूह कोई दूसरा तश्कील दे वो बकौल फैनन वो अपनी किताब ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क में कहता है कि वो अपनी असल में बेहस्त वजूद यानी नॉन बीइंग है।
अब ये जो बेहस्त वजूद के आप वजूद भी हैं लेकिन आप हस्ती से खाली हैं, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। और ये वही सूरत है जिस गालिब ने कहा है कि हर चंद कहें कि है नहीं है। तो गैर सफेद फार्म का होना, खा वो गंदमी रंग का हो, खा वो जर्द रंग का हो, खा वो काले रंग का हो, जो गैर सफेद फार्म है, दरअसल उसका जो जो होना है वो बुनियादी तौर पर नहीं होना, वो एक नॉन बीइंग है। नस्ल परस्ती अपनी इंतहाई सूरतों में उन सब की जो गैर सफेद फार्म है बुनियादी इंसानी शनाख्त से कामल कामिल इनकार करती है, जिनका ताल्लुक सफेद फार्मों के नजदीक पस्त नस्लों से है। नस्ली बर्तरी में नस्ल परस्ती में बर्तरी और कम तरीके तस्वुरात दो इंतहाओं पर होते हैं, यानी जो बर्तरी है ये भी अपनी इंतहा पर है और जितनी इंतहा उस बर्तरी की उतनी ही इंतहा उस कम तरीके है। गोरा खुद को जितना अजीम नाकाबले तस्खीर पुरशिको तस्वुर करता है, गैर सफेद फामों को उतना ही हकीर, उतना ही काबले तस्खीर और उतना ही मामूली समझता है। अगरचे सफेद फामी की बुनियाद जिस्म पर है, नजर आने वाले गोरे रंग पर है, मगर हकीकत में सफेद फाम होना अपनी मामूल की इंसानी जात को हद दर्जा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है। टोनी मॉरिसन ने एक अपने इंटरव्यू में इसी हकीकत की जानिब इशारा किया है और उसके अल्फाज का मैंने तर्जमा किया है। कोट, अगर मैं तुमसे, वो गोरे से मुखातिब और कहती है, अगर मैं तुमसे तुम्हारी नस्ल छीन लूं तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? यही छोटी सी जात, लिटल सेल्फ, कि अगर मैं तुमसे ये रेसिज्म जो है, नस्ल परस्ती है, ये छीन लूं तो तुम्हारे पास जो कुछ बचेगा वो छोटा छोटी सी जात है, योर लिटिल सेल्फ। तुम नस्ल परस्ती के बगैर क्या हो? तुम में कोई खैर का पहलू है क्या? इस नस्ल परस्ती के बगैर तुम ताकतवर और चालाक हो, यानी पावरफुल और स्मार्ट हो, क्या तुम नस्ल परस्ती के बगैर भी खुद को पसंद करोगे? यानी अगर इसको हटा के देखे, वो गोरे से मुखातिब और कहती है, नस्ल परस्ताना सारे रवैये हटा कर देखे जो हर जगह मौजूद है, तो क्या जो उसके नतीजे में जो तुम्हारी जात सामने आती है, क्या तुम खुद भी उसको पसंद करोगे? तो ये बड़ा बुनियादी सवाल करती है। और ये मैं समझता हूँ टोनी मॉरिसन की तरफ से नहीं, उन तमाम गैर सफेद जो कौम में है उनकी तरफ से ये सवाल है उस दुनिया के उस आदमी से। हकीकत में सफेद नस्ल परस्ती एक आइडियोलॉजी थी, उसकी तीन खसूसियात थी। इस मजमून में मैंने तीन खसूसियात का जिक्र किया है। पहली ये कि ये ताकत को अकदारी बनाकर पेश करती है, यानी पावर को, ताकत को नॉर्मेटिव, एक अकदारी बनाकर पेश करती है। चूंकि सफेद फार्म को गैर सफेद कौमों पर मुतलक इख्तियार हासिल है, इसलिए वो महज अपनी इसी हैसियत की उसे इख्तियार हासिल है कि सब तमाम आला इंसानियत साफ रखते हैं। यानी ये अजीब गरीब बात है, इसी वजह से चूंकि वो ताकतवर है इसलिए वो बुलंद इकबाल हैं, शाइस्ता हैं, मुहज्जब हैं, नेटिव के सच्चे खैरखा हैं और उन्हें पस्त कौमों पर हुक्मरानी का खुदाई हक है। और ये हमारे अक्सर उर्दू अदीबों ने ये कहा कि ये हम पर खुदा की मेहरबानी थी कि ये हम पर हुक्मरान हुए। नेटिव को जिन पहले हुक्मरानों से पाला पड़ा था उनमें 100 खराबियां थी मगर गोरों में खूबियों के सिवा कुछ नहीं। मौलाना हाली ने 19वीं सदी में एक नज्म लिखी थी हुब्बे वतन, अब मैं उसके चंद शेर सुनाता हूँ जिससे यही बात कि किस तरह ये जो नस्ल परस्ताना रवैये है वो हिंदुस्तान में राज हुए और हमारे लोगों ने उनको इंटरनलाइज किया। एक है कि वो मुकाबला करते हैं कि हिंदुस्तान में कई लोग आते रहे, हमलावर आते रहे, जब अंग्रेज आए तो क्या हुआ कि कभी तुरानियों ने घर लूटा, कभी ईरानियों ने जर लूटा, कभी नादिर ने कत्ले आम किया, कभी महमूद ने गुलाम किया, सबसे आखिर को ले गई बाजी एक शायस्ता कौम मगरिब की। यानी तुरानी, ईरानी, नादिर और महमूद गजनवी, इन सब ने हिंदुस्तान को गुलाम किया, लूटा, दौलत लूटी, लेकिन सबसे आखिर जो बाजी ले गई वो मगरिब की कौम की जो शायस्ता थी। अब उस देखिए उस वक्त, और ये जब लिखी गई उससे चंद साल पहले 1857 का वाकया हुआ था जिसमें इसी शाइस्ता कौम के वो जो सारी जारहियत थी, सारी बर्बरियत थी, वो सामने आई थी। लेकिन वो शाइस्ता कौम है इसलिए कि वो उस अपनी जो एक ताकत को एक कदर बनाकर पेश करने में कामयाब हो गई थी। और इस तरह आगे भी एक शेर है कि ये भी तुम पर खुदा का था इनाम कि पड़ा तुमको ऐसी कौम से काम। अब हिंदुस्तानियों से मुखातिब है कि ये तुम पर खुदा का इनाम है कि तुम्हें ऐसी कौम से काम पड़ा है। क्योंकि सफेद फामों को गैर सफेद फामों पर हक के हुक्मरानी हासिल है, इसलिए गैर सफेद फाम खुद को उनके उसी तरह सुपुर्द कर देते हैं जिस तरह कोई आशिक खुद को महबूब के सुपुर्द करता है। और ये सुपुर्दगी कामिल है, जिस रूह, ख्यालात, शोहरत, आबरू सब सफेद फामों के सुपुर्द की जाती है।
अकबर के अशार में इस जाने बहुत इशारा है कि किस तरह जो लोग हैं वो अपने आका के सपुर्द कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं, अकल सपुर्द मास्टर, माल सपुर्द आ जनाब, जान सपुर्द डॉक्टर, रूह सपुर्द डार्विन। अब देखिए किस तरह पूरी इंसान की जो हस्ती है, कि अकल तो जो नया स्कूल का मास्टर आया है उसके सुपुर्द हो गई है, जो माल है अपनी दौलत है सारा कुछ है वो आ जनाब यानी जो फरान है, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो रेवेन्यू कलेक्टर है उसके सुपुर्द है, और जो जान है वो डॉक्टर के सुपुर्द है नया आया है, और जो रूह है वो डार्विन के सुपुर्द है। मेरा कालेब हो कालेब घर भी, भूल जाऊं जुबान भी अपनी, ये भी अकबर कहते हैं। चीज वो है बने जो यूरोप में, बात वो है जो पानियर में छपे। मतलब हुई, अब देखिए कि किस तरह उन सबको किया गया, लेकिन एक तरफ हमारे कुछ लोग थे जो उनको इंटरनलाइज कर रहे, दूसरे वो जो उनपे तंज कर रहे हैं। तो अकबर ने उस जरीफाना और तंजी अंदाज में ये जो हिंदुस्तानियों के सब जो नई जो नस्ल पैदा हो रही थी, और जो सफेद फाम जमालियात और सफेद फाम परस्ती की तमाम चीजों को जज्ब कर रही थी, उस पर वो तंज करते हैं। पहली खसूसियत जिसमें ताकत ही कादर है का नतीजा है कि नस्ल परस्ताना आइडियोलॉजी बगैर किसी वास्ते के जाहिर होती है। मतलब ये बहुत अहम पॉइंट है कि जो नस्ल परस्ताना आइडियोलॉजी है ये किसी वास्ते के बगैर तरह पैदा हो जाहिर होती है और हर तरह के तनाजुर से आजाद होती है। ये इस आम उसूल से यकसर इनहराफ करती है जिसके मुताबिक मानी तनाजुर के पाबंद होते हैं। सफेद फाम जमालियात अपने मानी महज सफेद फाम होने से अखज करती है, किसी और यानी उसका कोई और जवाब नहीं है, उसका सफेद फाम होना ही वहीं से ये मानी अखज करती है। नीज सफेद फाम जमालियात महज अपने आशकार होने से गैर सफेद फामों के अदब को अजकार रफ्ता बना देती है। यानी जब सफेद फाम आका आते हैं अपने साथ अदब लाते हैं तो सिर्फ इसी वजह से, ना कि किसी अपने अदब अदबी मयारात के सबब नहीं, महज कि वो अंग्रेजों का अदब है इस वजह से जो बाकी अदब है वो अजकार रफ्ता हो जाता है। अच्छा, सफेद फाम कैनन खालिस अदबी वजू के बगैर देसी अदब के लिए काबिले तकलीद मिसाल बन जाते हैं। इसकी मिसाल खासतौर पर जो अंजुमन पंजाब के तहत हमारे यहाँ जो अदबी तहरीक का सामने आई, और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद और डॉक्टर लाइटनर उसके सदर थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद उसके सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने एक नई नज्म की तहरीक का आगाज किया। नेचुरल शायरी और मुशायरे शुरू हुए, नज्मों के मुशायरे शुरू हुए, मुनाजमी जिन्हें कहते हैं। तो उसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने एक मंशूर पेश किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा पुराना अदब है यह अजकार रफ्ता हो गया है, और जो नए जमाने के जो खिलत और जेवर हैं वो अंग्रेजी सदुकों में बंद है। दूसरे लफ्जों में, अगर आपको नए जमाने के साथ चलना है तो फिर आपको उन अंग्रेजी सदुकों को खोलना होगा जिसकी चाबी वो कहते हैं हमारे जो हम वतन अंग्रेज हैं, हम वतन तो खैर नहीं थे, हमारे आका थे उन्हें, लेकिन हम वतन का जिक्र लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उनके पास है। तो इसलिए वो अब जब वो आ गया है अदब, अंग्रेजी अदब आ गया है, तो आपका अदब सारा असरफ है। अब मैं आखिर में फिर इस बहस की तरफ आऊंगा कि इसका नतीजा क्या हुआ, कि जब हमने उन अंग्रेजी संदूकों को खोला है और उससे जो अदब और कैनन वो लिया है तो उसका नतीजा हमें क्या मिला, इस पर मैं आखिर में बहस। अंग्रेज यानी नस्ल, अंग्रेजी जुबानों अदबियात और ताकत एक ही शायर के तीन नाम बन जाते हैं। इसी से मुमासिल सूरत हमें नज़ीर अहमद के नावल इब्नुल वक्त में देखते हैं, जिसमें इब्नुल वक्त जो है वो इब्नुल वक्त जो किरदार है, मरकजी किरदार है, वो नस्ल को यानी महज अंग्रेज होने को, किसी शख्स के अंग्रेज होने को बरतरी और का समझता है, क्योंकि अंग्रेज है वो कोई भी है वो इसलिए बरतर है, और इसलिए चूंकि बरतर है इसलिए सल्तनत उसका हक है। सिर्फ अंग्रेज, सिर्फ हुक्मरान अंग्रेज नहीं बल्कि कोई भी ऐरा गहरा जो अंग्रेज है वो भी काबिल इज्जत है। अब मैं आगे स्पोर्ट पढ़ रहा हूँ उसी नावल से, आप देखिए इब्नुल वक्त से। इब्नुल वक्त निहायत वसूक से निहायत वसूक के साथ खुला खुला कहा करता था कि सल्तनत एक जरूरी और लाजमी नतीजा है कौम की बरतरी का। जब ये जवाब दे रहे हैं, अगर एक कौम बरतर है तो उसका लाजमी नतीजा ये कि उसके पास सल्तनत होगी। बस वो अपनी इस राय की बुनियाद पर बेगरजाना हर अंग्रेज को, अगरचे गुटका बेहसियत यूरेशियन ही क्यों ना हो, बड़ी वक्त की नजर से देखता था कि जो हिंदुस्तानी इब्नुल वक्त है, जो एक हिंदुस्तानी शख्स है, जो अपने जमाने के साथ चलने वाला शख्स है, वो हर अंग्रेज को, खा वो मतलब मामूली सतह का अंग्रेजी क्यों ना हो, उसको वक्त की नजर से देखता था, क्योंकि वो उस नस्ल से ताल्लुक रखता है जो गोरी नस्ल है। तो यही बात फ्रांस फैनन ने बाद में कही थी कि जो सफेद फाम होता है
अपने घर की बात नहीं, जब वो नौ आबादियों में होता है तो वो अकेला शख्स ही क्यों ना हो, वो कभी खुद को कमतर महसूस नहीं करता। और हकीकत ये है कि अगर हम उस जमाने के अदब में पढ़े तो हमें अंग्रेज कहीं तन्हाई का शिकार नजर नहीं आते। जो अंग्रेज किरदार है, मसलन जैसे इब्न वक्त में है, जो एक मिस्टर नोबल है, वो उनको जब वो हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो वो अकेले हैं, तन्हाई, उनकी तन्हाई को मिटाने के लिए फौरन चंद हिंदुस्तानी जाते हैं, उनको घर ले आते हैं और सबसे छुपा कर उसका इलाज करते हैं और वो सेहतमंद हो जाता है और वो उसकी तन्हाई खत्म हो जाती है। तन्हाई जो है वो गैर सफेद फामों का मुकद्दर है। तन्हाई के जितने किरदार हैं वो आपको ये नजर आएंगे, लेकिन अंग्रेज तन्हाई का नौ आबादियों में भी शिकार नहीं होता। नस्ल परस्ताना आइडियोलॉजी की इन दो खसूसियात से तीसरी खसूसियत भी पैदा होती है और वो ये है कि पहले गैर सफेद फामों के अफराद उस इंसानी दर्जे से यकसर महरूम होते हैं जो इस्तेमारी अफराद ने अपने लिए तय किया होता है, फिर उनके मुनफरिद कल्चरी इजहारात कल्चर की तारीफ से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि कल्चर वही तस्वर किया जाता है जो सफेद फामों का है। देसी बशिंदों को डी कल्चर कर दिया जाता है, उन्हें वैशी, उजड़, जाहिल जैसे अल्फाज से याद किया जाता है और इंसानी औसाफ और जो कल्चर से महरूम लोग हैं उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। ये जो तहजीब आमोजी के बयानिए शुरू हुए, जो सिविलाइजिंग मिशन था, वो इसी वजह से था, क्योंकि वो कहते थे कि ये डीकल्चर, इनके पास तो कल्चर नहीं है, हम इनको कल्चर सिखाएंगे, हम इनको तहजीब सिखाएंगे, ये वैशी है तो वो सिखाएंगे। अब जिस नावल पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इब्न वक्त में देखिए कि किस तरह जब आदमी डी कल्चर हो जाता है और वो सिविलाइज नहीं रहता, वो वैश्य हो जाता है, तो उसके साथ क्या होता है। अब यह हिंदुस्तानी की जुबान से सुनिए इस नावल में कि आम अंग्रेज तो अभी तक इस कदर गैज़ो गज़ब में भरे हुए हैं 1857 वाले वाक्य के बाद कि अंग्रेज के अगर अंग्रेज के एक कतरे खून के इवज हिंदुस्तान के खून की नदियां बहा दी जाए तो भी उनकी प्यास न बुझे। यानी गोया ये कि अगर एक अंग्रेज मारा जाता है उसे ये हक है कि वो कई लोगों को जो एक्सटर्मिनेट कर दे, वो जो वही बात जो पहले हम इस पे कर चुके हैं कि एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, क्योंकि वो ब्रूट्स हैं, लिहाजा वो अपने ब्रूट्स होने की वजह से ये गोया इसके काबिल हैं, उनको एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए, उनको बर्बाद कर दिए। और आप ये देखिए ये सारी चीजें किस तरह खुद 19वीं सदी के हमारे उर्दू अदब में ये रजिस्टर हो रही थी। यूरोपीय इस्तेमारियत ने नस्ल परस्ती को अपनी सियासत और इल्म फन में क्यों असासी अहमियत दी, ये एक बुनियादी सवाल है कि जो कलोनियलिज्म कायम हुआ है उसने नस्ल परस्ती को क्यों दी। इसके कई असबाब हो सकते हैं, इसमें मैं किताब का जिक्र करना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ बहुत कम पढ़ी गई, इसका जिक्र नहीं होता। 1941 में अजीज अहमद ने एक किताब लिखी है नस्ल और सल्तनत इसके उन्वान से, और इसमें उन्होंने कदीम और जदीद जमानों में नस्ल परस्ती और सल्तनत के ताल्लुक पर काफी लंबी बहस की है, बड़ी जखीम किताब है। वो इस बात पर मुसलसल जोर देते हैं कि दुनिया में कोई नस्ल खालिस नस्ल नहीं है, तमाम जो नस्लें हैं वो एक तरह से हाइब्रिड हैं, उनमें कोई खालिस नस्ल नहीं। खालिस नस्ल का जो दावा है ये महज आइडियालॉजी है, तमाम इंसानी नस्लें मखलूत हैं। खालिस नस्ल सरीहन आइडियालॉजी है उनकी नजर में, यानी अजीज अहमद की नजर में 19वीं सदी की यूरोपी शहनशाहियत दरअसल मुआशी शहनशाहियत है। वो अब इस्तेमारियत या कलोनियलिज्म की जगह शहनशाहियत यानी इंपीरियलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मगर वो इस हकीकत को छुपाने की सही करती है कि वो मुआशी शहनशाहियत है। एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय शहनशाही हुकूमतें नस्ल परस्ताना थी, वो इसे भी छुपाने की कोशिश करते हैं, ये नस्ल परस्ती को छुपाने की कोशिश की जाती है। महकूम मुल्कों में तहजीब आमोजी के जितने बयानिए राज हुए, जितनी अंजुमनें तालीमी इदारे कायम किए गए, उन सब का मकसूद मुआशी शहनशाहियत और नस्ल परस्ती पर पर्दा डालना था। अजीज अहमद ने एक और बुनियादी नुक्ते को पेश किया है, ये कि नौ आबादियात से चंद यूरोपीय तबकात बहरास्त फैजयाब हुए, इन्हीं के मुल्कों के कई तबकात उन मुआशी फवायद से महरूम रहे। यानी वो एक तबका था, वो ताजरों का तबका था, बाद में वो शराफिया तबका कह लें, उसका साइज बड़ा होता गया, लेकिन वो जो बड़ी अक्सरियत थी वो उन मुआशी फवायद से महरूम रही। उन्होंने अपने तबकाती अगराज को अपने ही हम वतनों की महरूम अक्सरियत से उसी तरह छुपाया जिस तरह मुआशी और नस्ल परस्ताना मकासद को महकूम मुल्कों से छुपाया। इसलिए जो एम ए सिजारे हैं वो कहते हैं कि जो यूरोप है ये कलोनियलिज्म के बाद यूरोप जो है वो अखलाकी और रूहानी तौर पर अपना दिफा करने से कासिर है। और मैं ये किताब इतनी अच्छी उन्होंने लिखी है, जो डिस्कोर्स ऑन कलोनियलिज्म, ये और इसका असलूब इतना अच्छा है, और जिस तरह उन्होंने यूरोप को कटहरे में खड़ा किया है इसकी बहुत कम मिसालें मिलती है। जो शख्स या कौम अपना अखलाकी दिफा ना कर सके उसके पास दो रास्ते होते हैं, मुआफी या तावीलात।
यानी हम आम सतह पर भी देखते हैं कि जो आदमी अगर वो कोई अपने जिसमें अखलाकी दिफा नहीं है तो वो या तो माफी मांग कर सकता है या फिर अपने अमल की तावीलात करता है। इस्तेमारी यूरोप ने तावील का रास्ता दूसरा रास्ता अख्तियार किया है और इसमें कई तावीलात की हैं। नस्ल परस्ती पर मबनी कौम परस्ती को भी तावील में शामिल करना चाहिए। इसके जरिए उसने अपने इस्तेमारी अमाल की कभी सूरतों को जायज ठहराने की कोशिश की है। नस्ली बर्तरी के एहसास पर मबनी कौम परस्ती के जरिए यूरोपीय अशराफिया ने अपनी कौम के सब अफराद को अपने साथ मिलाया और उन्हें गैर कौमों जिन्हें पस्त नस्लें कहा गया उनके खिलाफ उभारा। अजीज अहमद का तजिया ये कि ये जो कौम परस्ती पैदा की गई है ये इसलिए थी कि क्योंकि असल फायदा तो एक माशी छोटा सा अशराफिया उठा रहा था, अब वो जब उसको खतरा होता था तो उसने तमाम लोगों के अंदर कुछ मुश्तरक जज्बात पैदा की, कौम के जज्बात, कि जब भी हमें खतरा होगा, जब भी हम किसी खतरे में आएंगे तो हम इनको अपने साथ मिलाएंगे, जो मतलब जो हकीकतन वो महरूम है। और अब अभी देखते हैं कि कौम परस्ती हमेशा यही करती है। और इसके साथ वो आगे फिर बड़ी एक अहम बात जिसपे बड़ी एक नाजुक बात भी है तो आगे आ रहे, हम जानते हैं कि कौमियत एक तश्कील है जिसे नस्ल, जुबान, मजहब, जोग्राफी की बुनियाद पर वजह किया गया है। कौम परस्ती का इस्तेमारियत से सिर्फ जमानी ताल्लुक ही नहीं फिक्री और आइडियालोजियाई ताल्लुक भी है। अजीज अहमद के बकौल नस्ल पर मबनी कौम परस्ती ही ने कौमी इज्जत नाम की चीज को जन्म दिया। कहते हैं इससे पहले तो कौमी इज्जत नहीं थी कहीं भी, एक शख्सी इज्जत जरूर मौजूद थी, ये जो कौमी इज्जत आई है ये उस नेशनलिज्म के साथ ही आई है। कौमी इज्जत कई तसव्वुरात का मजमुआ है मगर ये एक इंसानी गिरोह के सब अफराद को कुछ मुश्तरक जज्बात में शरीक करती है। अहम बात यह कि कौम की बुनियाद नस्ल हो, जोग्राफिया हो, जुबान हो, मजहब हो, कल्चर हो या फिर एक से ज्यादा अनासर हो, वहां कौमी इज्जत का तस्वुर तश्कील दिया जाता है। कुछ मखसूस जगहें, शख्सियात, मतून, किताबें, तारीख के कुछ जमाने, कुछ अखबार इस कौमी इज्जत की अलामत बना ली जाती हैं। जदीद अहद की बेशतर जंगें कौमी इज्जत के नाम पर लड़ी गई हैं। आगे अजीज अहमद का एक जुमला है वो कोट कर रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान किसी अतालवी लड़की को भगा ले जाए तो अतालिया को इसका हक हासिल हो जाता है कि त्राबलस पर कब्जा कर ले। वो कहता है ये सारा जो हुआ कि वो उस नेशनलिज्म की वजह से था और कौमी इज्जत की वजह था कि एक शख्स की जो थी वो पूरी कौम का ही समझा गया। इसी से मिलती जुलती बात नजीर अहमद के इब्नुल वक्त में भी है। वो आगे बयान करते हैं गदर से पहले भी ये आलम था कि जो लोग सवारियों पर थे यानी जो हिंदुस्तानी सवारी पर थे इनके नौकर चिल्लाते जब बाजार से गुजरते थे कि हटो, बढ़ो, बचो, लेकिन कौन सुनता। कोट, इतने में सामने से एक गोरा नजर पड़ा कि अकेला पाइप पीता हुआ सीधा चला आ रहा है और लोग हैं कि आपसे आप काय की तरह उसके आगे से फटते चले जाते हैं। मैंने उस वक्त ख्याल किया था, अब ये नजीर अहमद बयान कर रहे हैं इब्न अल वक्त की जुबानी, कि मैंने उस वक्त ख्याल किया था कि ये कौमी ताज्जुज का असर है शख्सी ताज्जुज पर। अगर कौमी ताज्जुज मुस्तजाद हो नूरन अला नूर, वरना बदून यानी बगैर कौमी ताज्जुज के शख्सी ताज्जुज असली इज्जत नहीं बल्कि इज्जत का मुलिमा है कि एक शख्स जो है जो महज उस कौम से तल्लुक रखता है अपने उसकी वजह से, तो लिहाजा वो हो जाता है खा वो किसी भी सतह का आदमी हो उसको वो कौमी इज्जत मिल जाती है। तो ये जो कौमी इज्जत का सवाल था एक नेशनलिज्म के साथ आया, वो भी हमारे अदब में रजिस्टर हुआ और उसकी तरफ ये इशारा किया। इसी तरह अंग्रेजी जुबान की बर्तरी से मुतल्लिक जितने बयानिये राइज हुए वो नस्ल परस्ताना है। अहम बात यह कि हमने कबूल किए। अकबर की शायरी का महबूब ही नेटिव की सनद नहीं मानता था, सर सैयद भी नेटिव की जगह गोरे लाड मकाले की सनद लाते हैं। चूंकि नेटिव या हिंदुस्तानी नस्लन कमतर है इसलिए उनकी जुबानी भी कमतर है, उनसे दिमागी तरक्की नहीं हो सकती। अब ये कोट है जो सर सैयद अहमद खान के अपने लफ्जों में है, वो कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने और इस जमाने की तालीम के बोर्ड के तमाम मेंबरों ने बिल इत्तेफाक इस बात को तस्लीम किया है कि वो लोग जो आला दर्जे की तालीम हासिल कर सकते हैं उनकी दिमागी तरक्की सिर्फ बजरिया उन जुबानों की हो सकती है जिनमें वर्नैकुलर दाखिल नहीं है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि अदना दर्जे की तालीम जैसे कि इस जमाने में देहाती और तहसीली मकतबों में होती है वर्नैकुलर में होनी मुफीद है यानी देसी जुबानों में, मगर इस तालीम से कौमी इज्जत हासिल नहीं हो सकती। यानी अगर आप वर्नैकुलर तालीम हासिल करते हैं तो आपकी कोई कौमी इज्जत नहीं है। कौमी इज्जत उस वक्त होती है, सईद अहमद खान के लफ्ज मेरे नहीं है, कौमी इज्जत उस वक्त होती है जबकि कौम में कसरत से आला दर्जे के
तालीम याफ्ता अशखास मौजूद हूँ और वो उस जमाने वो और वो इस जमाने में ना वर्नाकुलर तर्जमों से हासिल हो सकती है ना अरबी फारसी के जरिए से, वो सिर्फ यूरोपियन जुबानों के जरिए से हासिल हो सकती है, खा वो जुबान अंग्रेजी हो या फ्रांसीसी। ये जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी का है, यहाँ मैं आपको एक इसी तरह की बात मौलाना हाली ने एक जगह कही है, वो भी मैं आपके सामने एक कि वो उस जमाने में अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों जो थी ये उसकी जुबान थी, कि कहते हैं कि इल्म को कर दो कू बकू अर्जा, हिंद को कर दिखाओ इंग्लिस्ता, कही ये दुनिया का जिसको बागे जिना है फ्रांस आज या है इंग्लिस्ता। इसलिए वो भी कहते हैं कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए या अंग्रेजी आनी चाहिए, फिर आपकी दिमागी तरक्की भी हो सकती है। यानी मैं अगर उर्दू पढ़ता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, मेरी दिमागी तरक्की का कोई इम्कान नहीं है। मेरी दिमागी तरक्की मुनसर है अगर मैं फ्रांसीसी सीखता हूँ, वो पढ़ता हूँ और अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो वरना नहीं। 19वीं सदी के अवाखिर से, आखिरी हिस्सा है, 19वीं सदी के अवाखिर से उर्दू में नए किस्म के अदब का आगाज हुआ। ये सफेद फाम जमालियात से मुतासर हुए बगैर यह अदब पैदा हो ही नहीं सकता था। इसकी दो बुनियादी खसूसियात थी इस अदब की, नौ आबादियाती जदीदियत और कौम परस्ती। ये गलत फहमी आम है कि उर्दू में अंजुमन पंजाब और अलीगढ़ तहरीक के जेर असर जिस नए अदब का आगाज हुआ वो महज जदीद यूरोपी अदब की नकल का जदीद यूरोपी अदबी कैनन की नकल का नतीजा था। असल में ये नौ आबादियात ही जदीदियत थी। हकीकत यह कि हमारे यहाँ यूरोपी जदीदियत जो आई है वो नौ आबादियाती पहरहन में आई है, यानी हमारे यहाँ जो जदीदियत आई है उसके साथ जो नौ आबादियात है ये चिपकी हुई है। अंजमन पंजाब से शुरू होने वाली नेचुरल कौमी और अखलाकी शायरी जिसकी हिमायत अलीगढ़ तहरीक ने जोश व खरोश से की, वो क्लासिक उर्दू अदब से कई अतबार से मुख्तलिफ, कई अतबार से मुख्तलिफ थी। मसलन पहले ये कि क्लासिक की उर्दू शायरी और दास्तानें जिंदगी की रास तर्जमानी नहीं करती थी। शायरी में मजमून आफरीनी और शायरी मजमून आफरीनी और मानी आफरीनी से इबारत थी, जबकि दास्तानों का बड़ा हिस्सा फंतासी पर मबनी था। वो जिंदगी से कटा हुआ नहीं था बल्कि वो मुशाहदाती हकीकत से, ये बहुत अहम बात थी कि जो तस्वुर फन था, तस्वुर अदब था क्लासिक की पीरियड में, वो ये था कि वो मुशाहदाती हकीकत से एक तखयली फासला कायम करके उसी हकीकत को बयान करता और उसकी तह में जो मख्फी और गहरी सच्चाई है उनसे मामला करता था। वो बहुत एक यानी बड़ा एक तस्वुर अदब था। 20वीं सदी में इसी को बाद में जर्मन ड्रामा निगार ब्रेख्त ने इससे मिलता जुलता बाद में पेश किया, जिसको एलिनेशन इफेक्ट कहा जाता है, कि जब आप ड्रामा देखें तो लोगों को बताएं कि आप ड्रामा देख रहे हैं, यानी आर्ट के अंदर उसके आर्टनेस का जो शऊर पैदा किया जाना, और ये हमारे यहाँ उसमें मौजूद था। मगर नई उर्दू शायरी हकीकत और नई उर्दू शायरी और जो नावल आया दोनों वो हकीकत की रास तर्जमानी करते थे, यानी हमारे यहाँ जो जदीद 19वीं सदी में आया है ये हकीकत की रास तर्जमानी में यकीन कर, और ये रास अंग्रेजी कैनन की पाबंदी के सबब था। इसी तरह पहली बार उर्दू में शुमाली, ये एक तो ये खसूसियत थी, दूसरी खसूसियत इस अदब की ये थी कि इसमें शुमाली हिंदुस्तान के अशराफ मुसलमानों ने अपने लिए कौमी अदब पैदा किया। हाल ही ने शिकवा हिंद में हिंदी मुसलमानों के जवाल को हिंदुस्तान की सरजमीन को ठहराया। अब ये अजीब बात है कि मुसलमानों को जो जवाल है उसका सबब उन्होंने नहीं कहा कि अंग्रेज हैं, उसका सबब ये नहीं कि कॉलोनियलिज्म है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन। दो शेर सिर्फ सुनिए उनकी नज्म शिकवा हिंद से, हाल अपना सख्त इबरतनाक तूने कर दिया, हाल अपना सख्त इबरतनाक तूने कर दिया, आग थे ऐ हिंद हमको खाक तूने कर दिया। और दूसरा शेर है कि हमको हर जौहर से यूं बिल्कुल मुर्रा कर दिया, तूने ऐ आबो हवाए हिंद ये क्या कर दिया, यानी जो हिंद की आबो हवा है इसने हमारा ये हाल कर दिया है हिंदुस्तान। और इसका नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान की सरजमीन से एक हमेशा के लिए जो बेगानगी और जो डिस एसोसिएशन है वो यहाँ से पैदा हुई, और जो उर्दू अदब यहाँ से शुरू हुआ उसमें ये एक तरह की जो एक डिस एसोसिएशन है यहाँ के कल्चर यहाँ अदब से, इसके बाद पहले बार नहीं था वो शुरू हुई। नजीर अहमद के नावलों का मौजू भी दिल्ली के मुसलमान अशराफ घराने हैं, इनके नावलों में शायद ही कोई हिंदू किरदार हो। ये कौमी अदब कौमी मजहबी शनाख्त पैदा करने और मुसलमान कारहीन को कौमी डिसिप्लिन में लाने की सही करता है। उनके जितने नावल है वो एक तरह के, वो उनका जो बुनियादी रोल है वो एक तरह का डिसिप्लिनरी रोल है। हकीकत निगारी की जिस तकनीक और असलूब में नजीर अहमद ने नावल लिखे हैं उसमें आप देखिए उनके तमाम नावलों के जो किरदार है वो अक्सर इस्मा मुसम्मा होते हैं। उसमें नोबेल है, उसमें इब्नुल वक्त है, नसूब है, उसमें कलीम है, उसमें आजादी है,
वो सारे जो लोग हैं वो एक तरह के जो उनका नाम है वही उनके किरदार है। इसके जरिए वो क्या करना चाहते थे, वो एक पेश करना चाहते थे, एक स्टेबल सेल्फ का तस्वीर पेश करना चाहते थे। ये जो स्टेबल सेल्फ होता है इसके जरिए आप किसी आइडियोलॉजी को ज्यादा पेश कर सकते हैं, यानी अदब में अगर नावल में आप ऐसे किरदार पेश करते हैं जिन्हें स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ हासिल है, तो फिर वो उसी तरफ ले जाएंगे जिस तरह आप ले जाना चाहते हैं, उनकी अपनी कोई अलग नहीं होती। अच्छा उनके लेकिन जब 20वीं सदी का जो सारा फिक्शन है उसमें सेल्फ जो होता है वो इंटेरोगेटिव होता है, यानी 20वीं सदी के अदब में जो आया है वो एक इंटेरोगेटिव सेल्फ रखने वाले हैं, वो खुद सवाल करते हैं। लेकिन नजीर अहमद के हाँ वो ऐसा नहीं है, और ये इसी और वो बिल्कुल लगता है कि जैसे जो बाहर की दुनिया की वो एक उसकी कॉपी है, उसी तरह के चलते आ रहे हैं और उनके वो आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। तो इस तरह नजीर अहमद का जो अदब है वो भी बड़ी हद तक एक मुसलमान अशराफ जो घराने हैं यूपी के उनका ये अदब है। अब इसके ये जो सारा था वो जाहिर है एक हम कह सकते हैं कि ये सफेद फाम जमालियात के जरिए असर हमारे यहाँ ये जो जदीद कौमी अदब आया था, बाद में इसमें इससे इसमें लोगों ने इससे इख्तलाफ भी किया, आगे और लोग आए उनको चैलेंज भी किया, लेकिन 19वीं सदी में बहरहाल ये हमें उस पर नजर आते हैं। तो खैर इस सारी गुफ्तगु का जो था मैंने समझने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम है कितना कामयाब हुआ, बहरहाल मैंने चंद बातें पेश करने की कोशिश की। अब मुझे मजीद कुछ नहीं कहना, बहुत शुक्रिया, काफी मैंने वक्त ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने तो पूरा मामला ही खोल के रख दिया। तो बहुत गुफ्तगु का बहुत मौका है इसमें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने कॉलीग दानियाल अहमद से गुजारिश करूंगा कि वो अपने शोबे की निस्बत से इस मौजू पर कुछ रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। नासिर साहब जितना अच्छा बोले उतना तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, ना बात इतनी गहरी होगी ना उर्दू इतनी शुद्ध, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसी पहलू को अपने शोबे यानी कि मौसीकी और आवाज़ की नज़र से देखते हुए थोड़ा सा कुछ कुछ बयान करूँ। लेकिन सफ़ेद फ़ामी जमालियात के ऊपर बात करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपनी मौसीकी और अपनी जमालियात का भी हुसन थोड़ा उजागर किया जाए। तो राग देस में कुछ मिसरे पेश करूँगा और फिर हम गुफ्तगू की तरफ जाएंगे। बस आपके पेशे खिदमत राग देस में कुछ मिसरे थे और मैंने सोचा कि आवाज़ से ही शुरू किया जाए। लेकिन आज जिस मौजू पर हमने बात करना है सफ़ेद फ़ामी जमालियात के ऊपर मौसीकी में, तो आज के दौर में हम इसकी सरपरस्ती हर जगह ही देखते हैं। अगर हम क्योंकि मेरा अपना शोबा एंथ्रोपोलॉजी है और एथनोम्यूजिकोलॉजी भी एक रिलेटेड शोबा है, इस शोबे का तो आपको सबको मालूम ही होगा कि कॉलोनियलिज्म के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। लेकिन इस शोबे में हम लोग एवरीडे लाइफ यानी कि आम ज़िंदगी की तज़िया करते हैं और देखते हैं कि आम ज़िंदगी में जो हम चीज़ें देखते हैं या इर्द गिर्द जो चीज़ें देखते हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। और अगर हम आज देखें तो मौसीकी के जिधर भी हम मौसीकी को देखते हैं, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो रेडियो पे हो या कहीं और हो, हमारे मौसीकी का हमारा जो अपना अंग है, रिवायती अंग, वो हमें कम हुआ नज़र आता है। और इसकी बहुत सारी और हमें मिसालें इस तरह भी मिलती हैं कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी के करीब तरीन ही आप जो म्यूज़िक शॉप्स हैं, दो तीन स्टोर्स हैं जहाँ पे साज मिलते हैं,
आप अगर वहाँ जाएं तो आपको मुश्किल से कोई अपना साज़ यानी कि कोई सितार या कोई तबला या बांसुरी मिलेगा, बल्कि पूरी दीवार पे मेड इन चाइना गिटार्स लदे पड़े हैं। तो ये तो एक एक बात है। लेकिन अब कराची में इस वक्त नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेरे ख्याल से ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस वक्त गिटार के हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची की बात हो रही है जी। तो और सारंगी का कोई शागिर्द ना होने की वजह से स्कॉलरशिप्स भी दी गई, लेकिन फिर भी कोई सारंगी सीखने नहीं आया, जिसकी वजह से सारंगी सिखाना वहाँ इस वक्त बंद हो चुका है। और मेरे अपने उस्ताद उस्ताद सलामत हुसैन भी वहाँ बांसुरी सिखाते रहे, लेकिन शागिर्दों का, स्टूडेंट्स का, नौजवानों का इतना इंटरेस्ट इन साज़ों की तरफ ना रहा बनिस्बत ये गिटार के। और साज़ तो देखें सभी अच्छे होते हैं, साज़ में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, मौसीकी में भी कोई अच्छी बुरी तो नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो हम एक तज्जिए की तौर पे जो चीज़ देखना चाह रहे हैं कि कौन सी वो जमालियात हैं जो मौसीकी में राइज हो गए हमारे यहाँ, और क्यों हम अपनी अपनी जमालियात से अपने आप को खो बैठ रहे हैं, या ये क्यों चीज़ें हमसे दूर हो रही हैं, या हम इनको समझने परखने या इनसे इश्क करने के क्यों हम नहीं कर पा रहे। तो अब अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूँ, मेरी जो अपनी फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी या एथनोम्यूजिकोलॉजी, उसकी तो एथनोम्यूजिकोलॉजी में ख़ास तौर पे जो उसका फाउंडिंग मोमेंट है वो यही है जब मगरबी दुनिया ने इस बात का उनको इंकशाफ हुआ कि और भी लोग मौसीकी करते हैं, और यानी कि हम सब नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मौसीकी है। और अर्लीस्ट जो हमें अकाउंट्स मिलते हैं वो तो 15-16 सेंचुरी के हैं, लेकिन उसके अलावा 17th-18th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा हमें और भी अकाउंट्स मिलते हैं। और ये जो फर्स्ट इनकाउंटर्स जिनको कहा जाता है दूसरे म्यूज़िक्स के साथ, ये बहुत दिलचस्प हैं। इनमें एक तरफ तो हमें बिल्कुल वही सब पैटर्न्स नज़र आते हैं जो एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म में बयान किए थे कि हमारी मौसीकी को उसी तरह देखा जाता है एक ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव से, और इसको कुछ ख़ास समझा नहीं जाता। इसका एक और ख़ुलासा हम यूँ भी कर सकते हैं कि काफ़ी देर तक उस दौरान मगरबी दुनिया यही समझती रही कि जो हम कर रहे हैं वो मौसीकी है, और जो ये लोग कर रहे हैं वो तो पता नहीं क्या है, शोर है या कुछ कुछ आवाज़ें हैं, लेकिन इसके पीछे कोई कोई बाकायदा थियोरी या कोई इंटेलिजेंस या कोई सेंस नहीं है। लेकिन वक्त के साथ ये मामलात काफ़ी जल्दी चेंज भी हुए, और अब अगर हम देखें तो हमारे साज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी आजकल गोरे ले रहे हैं, और सीख भी रहे हैं, और ये भी हमारे लिए बड़ा एक सोचने का एक मकाम है कि बिल्कुल उल्टा हो चुका है निज़ाम के ज़्यादा, मतलब यूरोप से या अमेरिका से ला तादाद लोग इंडिया जाते हैं या और मुल्कों में जाते हैं वहाँ की रिवायती मौसीकी सुनने के लिए और सीखने के लिए। तो लेकिन ये सब तो अब की बात है, लेकिन हम ज़्यादा फोकस रखेंगे कि हमारे यहाँ क्या हुआ, और इसमें भी मेरा जो ज़्यादातर फोकस होगा वो पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि इंडिया में मौसीकी कहानी काफ़ी फ़र्क है, और इसकी कुछ वजूहात हैं, इसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ब्रैकेट करूँगा। एक और चीज़ जो बहुत मेरे ख्याल से ज़रूरी है और अहम है कि इसको मद्देनज़र रखें, वो ये है मौसीकी का जो ताल्लुक़ रहा है सरमायादारी निज़ाम के साथ, या मौसीकी की जिस तरह कमोडिफिकेशन हुई हुई है और हुई चली जा रही है आज तक। तो पहले ज़माने में अगर आपको कोई गाना सुनना हो या साज़ सुनना हो या किसी आवाज़ से महसूस होना हो, तो यकीनन कोई एक शख्स आपके सामने बैठा होता था और वो अपने हाथों से या अपने अपने गले से कुछ हरकत करके आपको वो लुत्फ़ दे रहा होता था। अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है जदीदी दुनिया में। अब म्यूज़िक जो है बिल्कुल एक कमोडिफाइड ऑब्जेक्ट बन चुका है, आप इसको बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं, कॉपीराइट कर सकते हैं। तो ये सब जो जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो सब तो अकम्पनी करते हैं म्यूज़िक की इस ट्रांसफॉर्मेशन को, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस, उनको भी बिल्कुल बिल्कुल ये अकम्पनी करते हैं। तो ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए एक और चीज़ जो कैटेगरीज़ की हमें स्पेल आउट करनी चाहिए कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं या इस दुनिया में जो एक म्यूज़िक की मार्केट प्लेस है जहाँ पे म्यूज़िक ख़रीदा जाता है, फरोख्त किया जाता है, या जिस तरह म्यूज़िक को डिजिटली भी कैटेगराइज़ किया जाता है आजकल,
उसमें हम देखते हैं कि जो एस्थेटिक डिफरेंसिएशन हमें मिलती है वेस्टर्न म्यूज़िक में, वो बिल्कुल लातादाद है। मतलब किसी भी वेस्टर्न जॉनरा के अंदर, मगरबी जॉनरा के अंदर, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसिएटेड जॉनराज हैं। जिस तरह रॉक के अंदर क्लासिक रॉक, ब्लूज़ रॉक, ग्रंज रॉक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक, हाउस, टेक्नो, और जैज़ के अंदर भी इस तरह अलग अलग काफ़ी हमें एस्थेटिक डिफरेंसिएशन मिलती है। लेकिन पूरी बाकी पूरी दुनिया की मौसीकी को एक कैटेगरी यानी कि वर्ल्ड म्यूज़िक में धकेल दिया जाता है। तो इसके ऊपर एथनो म्यूज़िकोलॉजिस्ट भी काफ़ी पिछले 30-40 साल से तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हकीकत अभी भी वही है, और हकीकत शायद रहे भी ऐसी, क्योंकि इस वक्त म्यूज़िकल म्यूज़िक और कैपिटलिज्म का जो मिलाप है उसमें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है वेस्टर्न मार्केट की। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत जल्दी बदलेगा, लेकिन जो चीज़ यहाँ बहुत जल्दी बदल गई है वो ये है कि अगर आप आजकल कोई नौजवानों के म्यूज़िक शोज़ देखें, जिस तरह पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स हो गया या और भी शोज़ हैं, उनमें आपको कदर नहीं कोई हमारे यहाँ के साज़ नज़र आएंगे। तो वो जो हमारी मौसीकी के हुसन का या जो उसका अंग है या जो उसका तर्ज है, वो हम देखते हैं कि थोड़ा सा गायब होता चला जा रहा है। पूरा गायब तो वो कभी भी नहीं होगा, लेकिन एक और जमालियाती डोमिनेंस जिसको कहते हैं वो कायम हुई पड़ी है। तो इसके ऊपर काफ़ी और लोगों ने भी काम किया है। फिलिप बोलमन ने वेस्टर्न इनकाउंटर विद नॉन वेस्टर्न म्यूज़िक के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है, और एक उनकी एक बात है जो मेरे ख़्याल से हमारी डिस्कशन को थोड़ा सा और ओरिएंट करेगी, क्योंकि मौसीकी में अक्सर ये होता है कि हम हमेशा हमारा तुम्हारा अच्छा बुरा इस तरह की चीज़ों में फ़ौरन से पड़ जाते हैं, और इससे डिस्कशन जो है थोड़ी सी हमारी डाइल्यूट भी हो जाती है, और डिस्कशन का थोड़ा मैार मेरे ख्याल से गिर भी जाता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी साइड्स लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे साइड्स लेना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपनी मौसीकी, अपनी ज़बान प्यारी ही होती है, और उसका ये बस एक हकीकत है। तो वो कहते हैं कि द फिलिप बोलमन कहते हैं, द कॉम्प्लेक्स एस्थेटिक क्वेश्चंस रेज बाय वर्ल्ड म्यूजिक रिफ्लेक्ट द सेवरल वेज इन विच वी इंटरप्रेट वर्ल्ड म्यूजिक्स रिलेशन टू ग्लोबलाइजेशन। इंटरप्रेटेड फ्रॉम वन परस्पेक्टिव, वर्ल्ड म्यूजिक दैट फॉर्म्स थ्रू ग्लोबल इनकाउंटर्स लूजेज सम मेजर ऑफ व्हाट वी माइट परसीव एज ओरिजिनल मीनिंग। जिस तरह हम भी यहाँ सोचते हैं कि मगरबी साजों के आने से या उनके अंग या तर्ज के आने से हमारे अपने म्यूज़िक का जो मकसद है या जो उसकी मानी है वो ख़त्म हुआ जा रहा है, लेकिन फिलिप बोलमन हमें याद कराते हैं कि इनकाउंटर हाउएवर इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन फॉर न्यू मीनिंग अक्रूज टू वर्ल्ड म्यूजिक बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस दैट इट सेट्स इन प्ले। तो ये न्यू मीनिंग्स तो मेरे ख्याल से बहुत वाजह हैं हमारे लिए कि और अगर हम अपनी मौसीकी की भी तारीख में जाएं तो अमीर खुसरो एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने उनका जो काम है उसका ऐसा काम शायद उसके बाद कम ही लोगों ने किया होगा मौसीकी में, और कवाली का भी कहा जाता है कि कवाली को शक्ल देने वाले अमीर खुसरो खुद ही थे, और ये अमीर खुसरो ने उस टाइम पे भी फ़ारसी मौसीकी, अरबी मौसीकी, तुर्की की मौसीकी को लेके कवाली को एक शक्ल दी थी या उसकी तख्लील की थी। तो लेकिन लेकिन वहाँ से लेके अब तक जो हम आते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमें तो अरबी, फ़ारसी या तुर्की की मौसीकी का कुछ पता ही नहीं है। तो हम वो सब जो चीज़ें या जो मौसीकी के सारे जो पहलू थे या अंग थे, जो रिवायती थी, जिनका पहले भी ताल्लुक रहा था, वो ताल्लुक भी अब ख़त्म हो चुका है, और हमारे यहाँ सिर्फ या तो अपने राग रागनियाँ और ताले हैं या फिर वेस्टर्न मौसीकी। और जितना भी हम म्यूज़िक आज देखते हैं, जिसको हम फ्यूजन भी कहते हैं या और भी बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, वो प्राइमरीली सिर्फ ए वेस्ट और ईस्ट जिसको कहा जाता है। ऑफ कोर्स ईस्टर्न मौसीकी भी कोई चीज़ तो है नहीं, क्योंकि ईस्ट खुद इतना बड़ा है जिसमें इतनी ज़्यादा अलग अलग तरीके की रिवायात है मौसीकी की, लेकिन सारा अटेंशन हमेशा इधर ही रहती है कि वेस्ट और ईस्ट या इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िक, और बाकी जो मकाम है या जो दस्तगाह है, जो फ़ारसी मौसीकी का जो निज़ाम है, उसके बारे में भी अब हम कुछ जानते नहीं हैं। तो बात यही है कि कुछ सोचें इसको और समझें कि ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हमें ये किस तरह नज़र आता है, और फिर थोड़ी सी मैं बात करूँगा हमारी अपनी मौसीकी की जमालियात के ऊपर, क्योंकि मेरे ख़्याल से आजकल जो वक्त हम देख रहे हैं, ये काफ़ी जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, ये भी अक्सर
हमारे नौजवानों को, शागिर्दों, स्टूडेंट्स को या आम पब्लिक को मालूम नहीं होती, तो इन पे मैं फिर आऊँगा। और कुछ सवाल ये भी हैं कि हम एस्थेटिक वैल्यू किस तरह देते हैं चीज़ों को, क्या वो पैरामीटर्स हैं जिन पे हम एस्थेटिकली किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और मौसीकी में ये किस तरह नुमाया होते हैं। तो मौसीकी में हम जब देखते हैं तो मौसीकी के बुनियादी जो दो चीज़ें हैं वो है सुर और लय। सुर और लय मतलब के नोट्स या मेलोडीज और रिदम। तो सुर तो बुनियादी तौर पे सात सुर हैं, और मगरबी थ्योरी में भी यही बुनियादी सात सुर हैं, और फिर इनके कुछ इजाफी सुर हैं जो दरमियान में आते हैं, जिनको कोमल तीव्र सुर कहते हैं। लेकिन ये सात सुर तो आप जानते ही होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये और ये वेस्टर्न में डो रे मी फा सोला टी डो बन जाता है। लेकिन जो दिलचस्प बात है कि हमारे अपने जमालियात के अंदर या अपनी मौसीकी में इन सुरों को देखने का तरीका बहुत फ़र्क है। और जो सबसे बुनियादी एक जो फ़र्क है मगरबी मौसीकी और हमारी मौसीकी में, और ये फ़र्क सिर्फ मगरबी और साउथ एशियन मौसीकी में, हिंदुस्तानी संगीत में नहीं है, ये फ़र्क अफ्रीकन म्यूज़िक में भी और अरबी म्यूज़िक या फ़ारसी मौसीकी में भी ये फ़र्क नज़र आता है, वो है कि ये जो सुर और लय तो मगरबी मौसीकी में भी हैं और हमारे यहाँ भी हैं। लेकिन एक चीज़ है मगरबी मौसीकी में जिसको कहते हैं हारमनी, और इसका उर्दू में कोई लफ्ज़ इस वजह से भी नहीं है क्योंकि हमारे मौसीकी में हारमनी का कोई रोल नहीं है। तो हारमनी जो है वो एक से ज़्यादा आवाज़ का एक साथ लगने को कहते हैं। तो सुरों, सारे गामा पादा निसा, इन सुरों से तो मेलोडीज़ बनती हैं, और ये मेलोडीज़ यानी कि धुनें, इनमें धुनों में एक हम आवाज़ देखते हैं कि एक आवाज़ का एक ना एक कहानी सी होती है कि आवाज़ का उतराव होता है और चढ़ाव होता है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी रिवायती साज़ हैं उनमें ये हारमनी नहीं है, मतलब कि एक से ज़्यादा, मैंने पंखा बंद किया था शोर के लिए लेकिन अब बहुत सूख रहा है गला। तो हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा आवाज़ हमें नहीं मिलती अपनी रवायती मौसीकी में एक टाइम पे। ऑफ कोर्स हारमोनियम के आने के बाद ये चीज़ भी हमें अपनी मौसीकी में नज़र आई, लेकिन अक्सर जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि हारमनी वो प्राइमरी एक ऑब्जेक्ट है जिसको स्कॉलर्स ने स्टडी किया है, जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आते हैं ट्रेडिशनल म्यूजिक्स में, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो साउथ एशिया में हो, चाहे वो अरब वर्ल्ड में हो, और हर खित्ते का अलग रिलेशन रहा है मगरबी मौसीकी के साथ, और अलग ही रवैया रहा है, और अलग तरीके से मगरबी मौसीकी के कुछ अंग को या तो अपनाया गया है या नहीं अपनाया गया, ये तो फ़र्क रहा है। लेकिन अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोफी अगावू, जो कि बहुत बड़े एक मायनास स्कॉलर हैं म्यूज़िक पे और एथनोम्यूजिकोलॉजी के, अफ्रीका के लिहाज से, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ऐसे लिखा है जिसका नाम ही है टोनालिटी एज अ कॉलोनाइजिंग फोर्स इन अफ्रीका, राइट। टोनालिटी वो इसी मगरबी टोनालिटी की बात कर रहे हैं, या जिसमें हारमनी का भी जिक्र आ जाता है, और इसके ऐसे ऐसे को शुरू करते हुए ही वो ब्रूनो नेटल, जो कि एथनोम्यूजिकोलॉजी के फाउंडर कहलाए जाते हैं, या वन ऑफ द फाउंडर्स या पायनियर्स हैं, वो कहते हैं कि द मॉडर्न म्यूजिकल वर्ल्ड इज़ नॉट रियली इमेजिनेबल विदाउट द म्यूजिकल रिजल्ट्स ऑफ कलोनियलिज्म। और फिर कोफी अगावू जिसको ट्रेस करते हैं, वो कहते हैं टोनैलिटी अंडरस्टूड एज अ हायरार्किकली ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ पिच रिलेशंस एनिमेटेड बाय सेमी टोनल डिजायर अकम्पनीड यूरोप्स ऑस्टेंसिवली सिविलाइजिंग मिशन टू अफ्रीका फ्रॉम द 1840s ऑनवर्ड्स। और फिर उसकी बात की गहराई में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कोफी अगावू ने जो स्टडी की है कि किस तरह जो वहाँ अफ्रीका में रिवायती तरीके थे गाने के, उनको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया गया एक वेस्टर्न गाने के तरीके से, स्पेसिफिकली वेस्टर्न हारमोनीज के साथ, और ये एग्जांपल वो क्रिश्चियन हिम्स का लेते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि शुरू में कितना मुश्किल था उन लोगों के लिए, अफ्रीका के लोगों के लिए उस तरह हिम्स को गाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको ये सीखना पड़ा और उनकी ये मजबूरी बनी। तो उन्होंने फिर ये भी
वो तो इसको ये म्यूजिकल वायलेंस भी कहते हैं कि अपने अपने एक्सप्रेशन का तरीका दूर होता चला गया और दूसरे के तरीके को अपनाना पड़ा। तो लेकिन जब भी हम ये तो देखते हैं कि अब हमारे म्यूजिक में भी हारमोनी तो आ चुकी है, अगर हम तो ये तो एक हमारे पास एक बहुत क्लियर वो है। अब ये इसमें वही कोई हारमोनी आना या ना आना बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन इसके आने के साथ साथ क्या क्या वो चीज़ें हम खो बैठ रहे हैं, या क्या चीज़ें वो ख़त्म हो रही हैं, या क्या सेंसिटिविटीज़ लॉस हो रही हैं, या उनसे अटेंशन हट रही है, वो मेरे ख्याल से देखना ज़रूरी है। तो उसमें अब जिस तरह हमारे मौसीकी में तानपुरा हुआ करता है, या अभी भी है, तानपुरा तानपुरे का मतलब होता है एक एक ड्रोन इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह मैंने पहले लगाया हुआ था, जिसकी आवाज़ कुछ इस तरह है। तो ये तानपुरा जब बजता है तो सुरों का एक 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 जाल सा बिछ जाता है, या एक बिस्तर सा बन जाता है, और हमारे यहाँ के गवैये जो हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल फ्लूइड तरीके से उसके ऊपर मूवमेंट होती है। वेराज जब वेस्टर्न हारमोनी में कॉर्ड, जिसको कहते हैं, जिस तरह जब तीन पियानो में, जिस तरह आपने देखा होगा कि 10 उंगलियों पे 10 आवाज़ें निकल सकती हैं, हारमोनी का कॉन्सेप्ट यही है। बांसुरी में एक टाइम पे एक सुर निकलता है। तो इस तरह जब हारमोनी का एक जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारी मौसीकी को इतना सूटेबल तो नहीं है, लेकिन हम इसको अपना लिया है हमने, या इसको अपनाने लगे हैं। और अब हम देखते हैं कि कवाली में भी, जिस तरह हम कहते हैं कि कवाली तो बहुत पुरानी है, अमीर खुसरो के वक्त से कवाली थी, लेकिन कवाली में हारमोनियम तो नहीं था। जाहिर सी बात है, अमीर खुसरो के वक्त हारमोनियम तो ईजाद ही नहीं हुआ था, बल्कि ये तो एक यूरोपियन जर्मन इन्वेंशन है, और इसकी अपनी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह ये आया यहाँ पे। लेकिन जो एक हमें इसमें बहुत दिलचस्प बात ये मिलती है कि हारमोनियम को इस अपना लिया गया। इस तरह और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको अपना लिया गया। तो ये हम देखते हैं अपनी रिवायती मौसीकी में कि इसमें बड़ी एक कुव्वत है और बड़ी ताकत है कि ये और तर्जों को भी और अंगों को भी अक्सर अपना लेती है, और अपने अपनी शक्ल में उसको एक हिस्सा देती है, या अपने अंग को उसमें मिला लेती है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि एवरीडे लेवल पे हमारी मौसीकी की वो अहमियत नहीं रही। इवन साज़ों में अगर हम देखते हैं कि आप जिस तरह मेरा भी एक्सपीरियंस रहा कि पाकिस्तान में तो आप बांसुरी निकालेंगे तो शायद लोग इतना इम्प्रेस ना हो, लेकिन बाहर बहुत वैल्यू है इसकी। ऑपोजिटली यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं रही हमारे यहाँ के साज़ों की। और इसके साथ कुछ और भी कुछ आइडियाज़ जुड़े हुए हैं, जिस तरह मिरासी जो लफ्ज़ है यह अब एक गाली बन चुका है, हालांकि इस लफ्ज़ का तो मतलब मिरास से है, ठीक है, विरसे से है, मिरास मिरास से है, एक ये ख़ज़ाना है। तो लेकिन ख़ज़ाने के रखवालों को अब इस तरह मिरासी एक गाली कह के पुकारा जाता है, या एक डेरोगेटरी अंदाज में, तनकीदी अंदाज में, तंजिया अंदाज में पुकारा जाता है। तो बात सारी यही आ रही है कि क्यों हम इन चीज़ों को कि ये सब एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस जो हम देखते हैं ये सब कॉलोनियलिज्म के बाद हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इसका एक तारीखी पहलू हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। और उसके साथ जो एक और बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है मेरे ख्याल से, जो कि बहुत सेंट्रल है, वो ये है कि हम अपने मौसीकी की जो जो शक्लें हैं, जो उसकी इकसाम है, उसको बिल्कुल उसी तरह कैटेगराइज करते हैं जिस तरह वेस्ट ने किया है। तो जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है, राग संगीत जो है, उसको हमने क्लासिकल म्यूज़िक बना दिया, और अपने इलाकाई मौसीकी को फोक म्यूज़िक बना दिया। और वही जो डिस्टिंक्शन वेस्टर्न यूरोप में फोक और क्लासिकल के बीच में है, यानी कि क्लासिकल ऊपर और फोक नीचे, वही डिस्टिंक्शन यहाँ भी आ गई। और हत्ता कि ये तो इतना ये डिस्टिंक्शन तो इतनी राइज हो गई है कि अब लोग समझते हैं कि असल क्लासिकल मौसीकी है और राग रागनियों से ही हर चीज़ निकली है, और आम तौर पे लोग ये समझते हैं, हालांकि ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि असल में तो इलाकाई मौसीकी है जो जदीद है, जो पुरानी है, जो असल है, और बाद में इलाकाई मौसीकी से रागों को शक्ल दी गई या क्लासिफाई किया गया, क्योंकि क्लासिकल का तो ताल्लुक क्लासिफिकेशन से ही है। तो जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत सारे रागों के नाम हैं, मुल्तानी, भोपाली, या सिंधु भैरवी, ये सब इलाकाई मौसीकी से निकले, या पहाड़ी, या इलाकों से इनका रब्त या ताल्लुक है। तो ये तो हमें एक एक साइड पे तो ये चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी साइड पे हम इस डिस्टिंक्शन को बिल्कुल एक तरह से एम्ब्रेस कर चुके हैं। और फिर फोक और क्लासिकल की डिस्टिंक्शन में जाहिर सी बात है क्लासिकल की ज़्यादा अहमियत, फोक की कम अहमियत, और
म्यूजिशंस के अंदर भी वही हायरार्कीज यहाँ पे अब हमें नज़र आती हैं। बल्कि मुझे मुझे याद है, मेरे लिए खुद एक बहुत मैं एक दफ़ा बैठा बजाने के लिए एक हिंदू भगत भगत भूरोलाल के साथ, और जब मैं उनके साथ बजाने बैठा और उनको अंदाज़ा हुआ कि मैंने शायद थोड़ी बहुत तालीम क्लासिकी मौसीकी की हासिल की है, और तो उन्होंने तो वो काफ़ी परेशान हुए, या उनके लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि ये क्लासिकी बजाने वाला ये मेरे साथ बैठ के जो है कबीर के भजन गा बजा रहा है, तो उनके लिए बड़ी नई बात थी। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि इसका मतलब ये होगा कि पहले उनके साथ इस तरह का एक तफरीक की गई होगी, एक फ़र्क किया गया होगा कि जो क्लासिकी बजाने वाले हैं वो नहीं बैठते लोक फनकारों के साथ। तो ये सब जो हमारी एवरीडे रियलिटी हकीकत है, इस सब से हमें काफ़ी कुछ सोचने को मिलता है कि किस तरफ बात जा रही है और हमारा नज़रिया कितना कितना जल्दी बदल चुका है। अपनी चीज़ को हम जो है मतलब पराई चीज़ को तो अपना रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी चीज़ को एक पराई नज़र से हम देखना शुरू कर चुके हैं। और ये आई थिंक सेंट्रल बात तो मेरे ख्याल से यही है। अब जिस तरह, और अगर मैं अपनी फील्ड, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी है, हम लोग एवरीडे एक्सपीरियंसेस को बड़ा वैल्यू करते हैं। अब मेरे मेरा ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि जिस तरह गायक जब ताने लेते हैं बहुत तेज़ सुरों को जब गुजरते हैं, जैसे ताने जो लेते हैं, हमारे यहाँ के लोग अब इसको उस तरह सुन भी नहीं पाते। जब सुनते हैं तो लोगों को या तो अजीब लगता है या हंसी आती है। अक्सर स्कूलों में भी हमने देखा कि बच्चे जो है ताने सुन के हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ इतनी अजीबोगरीब हो चुकी है। उन्होंने, क्योंकि ये वो लिसनिंग कल्चर की बात हो रही थी, वो इस लिसनिंग कल्चर से इतने डिटैच्ड हैं कि उनको यही चीज़ अपनी जो है वो पराई लगती है। लेकिन अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, चाहे वो कितना ही शोर वाला हो या जैसे भी हो, वो लगा दें तो उनको उससे शायद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये सब मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हैं हमारे सोचने के लिए। और ऑब्वियसली इसका शुरू में भी जिस तरह जिक्र आया, ग्लोबलाइजेशन से एक ताल्लुक़ तो है, कि ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं उसका जाहिर सी बात है वो तारीख़ पे कलोनियलिज्म से जुड़ी हुई है। और क्यों ऐसे है कि आप शॉपिंग मॉल में जाएं सऊदी अरेबिया में या शॉपिंग मॉल में जाएं कराची में, मौसीकी आपको वही सुनाई देगी। तो सरमायादारी इस तरह और इस तरह का पॉप म्यूज़िक और कलोनियलिज्म और ये सब तारीखी एक कनेक्शन तो हमारे सामने मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ कुछ सवाल थे, ज़्यादा मैंने कुछ चीज़ें उठाने की कोशिश की कि जिसपे हम सोचें, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अच्छा बुरा हमारा तुम्हारा शुरू हो जाता है, और इससे गुफ्तगू का मैार काफ़ी गिर जाता है, तो उसको मैं अवॉइड करूँगा। उसके अलावा एक और चीज़ जो बुनियादी फ़र्क हम देखते हैं, और ये मेरा आखिरी पॉइंट होगा जिसके बाद मैं थोड़ा सा जमालियात पे गुफ्तगू करूँगा अपनी मौसीकी की, वो ये है कि ओरालिटी वर्सेस टेक्सचुअलिटी। मतलब ओरालिटी वो ट्रेडिशन जो लिखत पढ़त के बाहर हैं, जो उस्ताद शागिर्द सिस्टम के तहत जो इल्म बांटा जाता है, या जो इल्म रिवायती इल्म लिखे बगैर एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक पहुंचाया जाता है, ओरल कल्चर, ये हमारी मौसीकी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और मगरबी मौसीकी में तो हर चीज़ लिखत पढ़त के ऊपर आती है, लेकिन ये जो हमारी कैटेगरी है क्लासिकल, वो हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमारा क्लासिकल और उनका क्लासिकल तो बहुत फ़र्क है। यहाँ तो हम कुछ लिखते पढ़ते नहीं हैं, यहाँ तो हम सब कान से और फिलबती बजाते हैं, वहाँ तो क्लासिकल म्यूज़िक वो है जो कि एक क्लासिकल पीरियड के अंदर 17वीं सेंचुरी से आई थिंक 19वीं सेंचुरी के लेट पीरियड तक जो म्यूज़िक लिखा गया है उसको क्लासिकल कहा जाता है, तो वो तो बहुत कैनोनाइज्ड है। हमारे यहाँ उस तरह कैनोनाइजेशन तो है नहीं, लेकिन हम वही बात हो गई कि अपनी चीज़ों को भी उसके अक्स में देखना शुरू कर देते हैं, और उस वजह से अपनी मौसीकी का जो काफ़ी जो उसकी बुनियादी पहलू हैं उनसे हम उनको नज़रअंदाज करते हैं या उनको खो बैठते हैं। तो अब आखिरी जो मैं थोड़ी चीज़ थोड़ा बजा के दिखाना चाह रहा था वो ये था कि हमारी मौसीकी के कुछ अंग जो कि वो हैं क्या, ताकि उनको थोड़ा सा उजागर किया जाए और लोगों को बताया जाए कि तरीका फ़र्क कैसा है, कि सुनाई किस तरह देता है ये फ़र्क। फिर से पंखा बंद करूँगा। तो ये इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशंस काफ़ी और भी लोग मुझसे पहले भी कर चुके हैं, यकीनन मुझसे बेहतर की होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक तर्ज या अंग का जो फ़र्क है वो, क्योंकि हम लोग
हमें पता तो होता है कि हाँ हमारी मौसीकी और मगरबी मौसीकी में फ़र्क तो है, लेकिन कभी कभी इतना क्लियर नहीं होता हमारे पब्लिक में कि ये एक्चुअल फ़र्क है क्या और इसकी खूबसूरती है क्या। क्योंकि सारे गामा पा दा नी सा डोरे मी फा सोला टी डो, ये 7 सुर तो हैं, लेकिन इन 7 सुरों को देखने का जो अंदाज़ है उसी में सारे हमारे जमालियात का हुसन है। तो इसके लिए जो मैंने धुन सेलेक्ट की है वो एक मगरबी धुन है जो कि सब ने सुनी होगी, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। और ये मैंने इसलिए सिलेक्ट की है ताकि ये जो भी हो, चाहे वो कोई नौजवान हो या कोई बुज़ुर्ग हो, सब ने सुनी तो होगी। तो इसका मैं पहले उस तरीके से बजाऊंगा जिस तरीके से ये मगरबी अंग में बजती है, और फिर थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये हमारे अंग में किस तरह बजेगी। तो जो मगरबी अंग है वो हमेशा सुरों को एक सीधे तरीके से देखता है, एक के बाद एक सुर को लिया जाता है, और उसके स्टकाटो जिसको कहते हैं म्यूजिकल वोकैबुलरी में। ये तो सिंपल मगरबी तरीका हो गया इस धुन को बजाने के लिए, और ये धुन हम सब जानते हैं। अब इसी को अगर मैं अपने अंग से बजाऊं, जो हमारी मौसीकी का अंग है, तो वो बिल्कुल ही अलग सुनाई देगी। तो ये जो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सुन के ही सही तरह समझ आती हैं कि ये वाला जो एक सोचने का तरीका है या सुरों को ये इस तरह देखने का तरीका, सुर के बीच वाली चीज़ों, दो सुरों के बीच में जो जितने हज़ार श्रुतियाँ हैं उनको देखने का, ये बेसिकली हमारे अपनी मौसीकी की जमालियात का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो हम जिससे अब हम लोग थोड़ा सा दूर होते चले जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है गाने में तो ये आता है, लेकिन इस तरह से सोचना अब कम हो गया है, और हमारी मौसीकी की तालीम भी क्योंकि बहुत कम हो गई है बनिस्बत और चीज़ों के, तो इस वजह से भी इसका आता है। अच्छा, जो आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो है कि देखिए, मौसीकी जो है ये एक टेम्पोरल आर्ट है। टेम्पोरल आर्ट से मतलब कि ये मौसीकी जो है हमेशा वक्त के ऊपर होती है। जिस तरह एक एक तस्वीर है, अगर एक खूबसूरत तस्वीर है उसको आप देख रहे हो, तो आप उसको एक ही एंगल से देखें या अलग अलग एंगल से जाके देखें या उसके करीब देखें या उससे दूर होके देखें, तो वो तस्वीर वहाँ की वहाँ ही रहेगी। लेकिन अगर एक हम गाना सुन रहे हो और उसको पॉज करें तो वो गायब हो जाता है। इसका एक ये एफिमेरल कैरेक्टर है मौसीकी का, कि साउंड हमेशा टाइम के अंदर ही अनफोल्ड होती है, एक वक्त के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर इसकी प्रेजेंस होती है मौसीकी की। इसमें जो हम देखते हैं कि इसमें और यकीनन फिलोसॉफिकली भी टाइम एक काफ़ी वक्त जो है एक बहुत 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 मेरे ख्याल से एक पेचीदा फलसफाना मसला है, और मैं तो इसके ऊपर इतना बात नहीं करूँगा, लेकिन ये हम देखते हैं कि वक्त को देखने का नज़रिया भी बिल्कुल फ़र्क है। तो हमारी मौसीकी में क्योंकि हारमनी यानी कि ये ऑर्केस्ट्रेशन और बहुत सारे साजों का एक साथ बजना, वो इतना वो तो हमने बिल्कुल डेवलप किया ही नहीं, लेकिन मेलोडी और रिदम यानी कि सुर और लय या धुन और लय के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, या सबसे ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लोर किया है। और जो वेस्टर्न रिदम्स हैं वो तो, जो कॉमन रिदम्स हैं वो 4 हैं या 3 है या कुछ और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों ने अपनी सारी मौसीकी की डेवलपमेंट हारमोनी में की है, कि ऑर्केस्ट्रास बनाए, वायलेंस, ट्रम्पेट्स और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स साथ बज रहे हैं और हारमोनीज क्रिएट हो रही हैं, या काउंटर पॉइंट जिसको कहते हैं वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने सारी जो है जिद्दत और जो जहद है वो सारी हमने लय और सुर के अंदर की है। तो एक तो ये लवाजमात जिस तरह मैंने दिखाया कि सुरों के बीच में चीज़ों को देखना, जिसको हम मीन्स कहते हैं, आहिस्ता से एक सुर से दूसरे सुर की तरफ जाना, या फ़ौरन से मत जाना बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से सुरों को बहलाना जैसे हम कहते हैं। लेकिन वक्त के अंदर हम देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि जो
मगरबी तरीका है वक्त को देखने का, वो तो बहुत स्ट्रेट फोर्स में, जिसको कहते हैं कि फोर फोर बार्स का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। उसके अलावा वॉल्ट्स म्यूज़िक में जिस तरह थ्री आता है, लेकिन ज़्यादातर हमें फोर और थ्री मिलता है। लेकिन अरबी मौसीकी में, तुर्की में, ईरान में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, इंडिया में, हमें इसके अलावा भी बहुत टाइम के साइकिल्स नज़र आते हैं। तो जिस तरह हम लोगों का और इसमें मेरे ख्याल से जो प्रोग्रेस का एक टाइम के साथ लिंक है, वो भी हमें बहुत क्लियरली नज़र आता है, क्योंकि जो वेस्टर्न व्यू ऑफ प्रोग्रेस है वो लिनियर है। और म्यूज़िक में भी वक्त का जो व्यू है वो इस तरह ही आता है कि पहले जो मेजर या बार जिसको कहते हैं, चक्कर, वो उस तरह चक्कर तो नहीं है, लेकिन वो बार्स कहते हैं कि पहले बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, हम इस तरह देखते नहीं हैं। हम हमेशा एक साइकिल के उसमें देखते हैं कि साइकिल चल रहा है और फिर पहले बीट पे आएगा और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और अमूमन जो हमारे यहाँ सबसे इब्तदाई जो ताल सिखाई जाती है वो 16 बीट की है, और फिर वो 1 पे आता है वापस। तो एक ही हमारा एक जो सोच है मौसीकी में, वो टाइम को एक साइक्लिकल तरीके से देखती है, एक लिनियर तरीके से नहीं देखती। और ये मेरे ख्याल से हमारी सकाफत में भी है, काफ़ी हमें इसके और भी रेजोनेंसेस मिलेंगे अगर हम हिंदू हिंदू कंसेप्शन ऑफ टाइम में जाएँ या इंडियन कंसेप्शन ऑफ टाइम में जाएँ, वहाँ भी हमें सिमिलैरिटीज़ तो मिलती हैं। तो ये एक और चीज़ है जो अब हम थोड़ा सा खो बैठ रहे हैं, कि वो जो साइक्लिकल तरीका था वक्त के बारे में सोचने के लिए, कि वक्त का एक एक ताल चल रही है और कभी भी ताल से आपने साइकिल से बाहर हो जाना है, फिलबदी सुर लेने हैं, बहलावे लेने हैं, और फिर वापस ताल के अंदर आ जाना है, वापस उस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाना है, और पहले मात्रे के ऊपर वापस से आ जाना है, जिसको सम कहते हैं। ये अब नज़रिया भी हमारे यहाँ से अब थोड़ा ख़त्म हुआ जा रहा है। और आप देखें, फोर जो है वो तो है, लेकिन 16 बीट्स यानी 16 मात्रों को देखने का ये एक नज़रिया फ़र्क है। अब बात ये नहीं है कि 16 बड़ा है तो वो 4 से अच्छा है, बात बिल्कुल भी ये नहीं है। बात ये है कि ये जो हमारी अपनी मौसीकी की जमालियात में जो वक्त का या लय का जो एक नज़रिया है, ये मुख्तलिफ है। और इससे जो चीज़ हमें और ये मतलब थोड़ा सा अब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है इस तरह सोचना वक्त को, ये बेसिकली मैं बात करना चाह रहा था। खैर, मैं और वक्त नहीं लूँगा, आई थिंक टाइम ख़त्म हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल का प्रेजेंटेशन था, इसमें भी सोचने को बहुत कुछ है। नासिर साहब आप हैं जी। सबसे पहले तो क्योंकि अभी ये दानियाल ने खत्म किए, तो वैसे तो ये दोनों में एक तरीके से आप दोनों के प्रेजेंटेशंस में ये बात आई जो कि बड़ी दिलचस्पी की बात है। आप दोनों ने सरमायादाराना निज़ाम का जिक्र किया मुख्तलिफ एंगल से, मगर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि गुफ्तगू हम कर रहे हैं नस्ल परस्ती पर और सफेद फाम परस्ती पर, मगर जिक्र फिर भी सरमायादाराना निज़ाम का आया। तो इसमें मैं उसमें ये जिक्र करना चाहता था कि मेरे मेरे ऊपर एक और पहलू इसका ये खुला, क्योंकि काफी अरसे से, बल्कि मेरे ख्याल में 80 से कहना चाहिए, उससे पहले भी उसकी पर तहकीक तो हुई थी मगर उसको नाम नहीं गया दिया गया था, जिसको अब सिया फाम मुफक्किरों ने खास तौर पर, मगर अब दूसरे लोगों ने भी इसके ऊपर तहकीक शुरू की है कि ये जदीद दौर जो है और ये जदीद निज़ाम जो है वो रेशल कैपिटलिज्म यानी नस्ली सरमायादाराना निज़ाम है, यानी सरमायादारी और नस्ल परस्ती आपस में जुथे हुए, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो अभी मुझे ये आप दोनों की प्रेजेंटेशन सुनते हुए ये ख्याल आया कि सकाफत के अंदर भी ऐसा ही है, सकाफत के अंदर भी, क्योंकि ये नस्ल परस्ती एक तो ये हमारा जदीद तरीका, एक तरफ तो ये है कि हर चीज को आपस में गड़मट कर दिया, मिसाल के तौर पे कि मजहब, अदब, इलाका, टेरिटरी यानी कौम, जबान, इन सबको आपस में बिल्कुल गड़मट कर दिया। यानी तो अगर आप हिंदू हैं तो आपकी आपका इलाका इंडिया है, आपकी जबान जो है वो संस्कृत या फिर उसकी डेरिवेटिव हिंदी है, और वगैरह वगैरह, मजहब आपका हिंदुइज्म है, ये सब चीजें आपस में जुटी हुई हैं, मगर साथ साथ सब चीजों को अलग भी कर दिया गया है।
यानी नस्ल कोई अलग चीज है और क्या कहना चाहिए, रिलीजन कोई और चीज है, नेशन कोई और चीज है, रेस और नेशन गालिबन वो बताते हैं कि कोई अलग चीज है ऐसा कर, हालांकि ऐसा कर नहीं है, ये जो जदीद तसव्वुरात हैं ये आपस में जुटे हुए हैं और उसमें फिर ये कल्चर भी शामिल होता है। तो ये कल्चर जो है इसके बारे में मैं मेरे उस्ताद निकोलस डर्क्स जो कि खुद बर्नार्ड कोन के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपनी बर्नार्ड कोन की वो जो कलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज यानी नौआबादियाती निज़ाम और उसकी उसके उलूम की शक्ल या उसके उलूम की अशकाल, उसके शुरू में ही वो कहते हैं कि नौआबादियाती निज़ाम जो है या नौआबादियात जो है वो कल्चर के बारे में ही था, यानी कल्चर की तश्कील। ये जो आपने जिक्र किया मिसाल के तौर पर नासिर साहब, ये जो वाक़ा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ जो उन्होंने नई नज़म शुरू करने की कोशिश की, उसके अंदर ये बड़ी कमाल की एक बात है। मतलब माजी में तो आदमी सोच भी नहीं सकता ना कि अब, और वो इस कमेटी का जो हेड था उसका नाम था कर्नल हॉलरॉयड, आपको भी जाहिर है आपके वाक़े। तो ये कमाल की बात है कि एक फौजी बैठा हुआ, एक फौजी जो है वो, और वो रिवायत आज तक चली आती है कि एक फौजी बैठा हुआ आपकी आपके कल्चर की तश्कील नौ कर रहा है, उसकी तरकीब में मतलब एक तो पहले एक तो ये तश्कील नौ तो करने के लिए किसी चीज का पहले तो आपको उसका पहले तो उसको इस तरीके से आपने एक जुमरे में बंद करना है ना, उसको आपने ऑब्जेक्टिफाई करना है, उसको एक चीज बनाना है, तभी आप उसकी तश्कील नौ भी कर सकते हैं। और ये काम मिसाल के तौर पे मतलब अब तो ये आम है ना कि हमारी जो जदीद हुकूमतें हैं उसके अंदर कोई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नाम की चीज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जाहिर है वो क्या कहते हैं अकबर की हुकूमत में तो कोई मिनिस्टर ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो नहीं थी, ये तो एक जदीद चीज है और ये गोरों ने शुरू की, नौ आबादियाती दौर में ही शुरू हुई। तो ये बिल्कुल इस लिहाज से कौम परस्ती ने भी हमारी इस लिहाज से ये नस्ल परस्त, ये एक नस्ल परस्ताना तरीका है किसी उनके यहाँ भी जाहिर होता है, उन्होंने अपने भी कल्चर को ऑब्जेक्टिफाई किया। हम इसके भी वैसे जिक्र कर सकते हैं इसको हमें, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि ये गोरों की जो जदीद दौर की तहजीब है वो भी तो जदीद दौर की है, वो हमेशा से इस तरीके से चलती नहीं आई, उनकी उनका अपनी सकाफत और उनके जो निचले तबके हैं उनके साथ जो सलूक हुआ उसका भी जिक्र किया जा सकता है, जैसे कि नासिर साहब कर रहे थे जिक्र कि जो और इस प्रोग्राम से पहले दानियाल और मैं गुफ्तगू कर रहे थे कि उनके यहाँ जो बहुत बड़े पैमाने पर, हमारे यहाँ तो इतने बड़े पैमाने पर एक्चुअली तबाही नहीं हुई मुख्तलिफ कल्चरल फॉर्म्स की, जैसे उनके यहाँ हो गई ना। अब जैसे उनके यहाँ तो अमीर खुसरो टाइप की क्या कोई भी इस तरीके की आपको फॉर्म नहीं मिलेगी जो मकबूल हो, जैसे कव्वाली है कि भाई 700-800 साल पुरानी कव्वाली आप सुनते हैं, 700-800 साल पुरानी कव्वाली जो है वहां पे तो बिल्कुल इस तरीके की कोई चीज बची नहीं। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपना बिल्कुल पूरा का पूरा निज़ाम जो है उन्होंने पिछले 700-800 साल के अंदर बिल्कुल तलपट कर दिया ना। तो और उनके जो तबकात थे बड़ी बड़ा तशद्दुद हुआ पिछले 300 साल के अंदर, जो वहाँ के यूरोप में जो निचले तबके थे उनकी भी बड़ी बर्बादी हुई। तो इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने इनकी इनका भी जो ये कल्चर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं या ये नस्ल परस्ताना जो एक पूरा निज़ाम है वो जदीद दौर में वजूद में आया। मैं सवालात जहाँ तक आपसे करना चाह रहा था या जिक्र करना चाह रहा था जिन मामलात का, उनमें एक तो ये जमानी दर्जा बंदी, क्योंकि ये जो नस्ली दर्जा बंदी का निज़ाम है इसके अंदर सिर्फ गोरे और काले, ये जो नेटिव से ही आपने बहुत ही बिल्कुल सही जगह से आपने ये शुरू किया ना सारा नेटिव का जिक्र करके, जिसके बारे में महमूद मंदानी जैसे कि आपको भी पता है उन्होंने हाल में ये नीदर सेटलर नॉन नेटिव, यानी जो जदीद नौ आबादियाती नस्ली दर्जा बंदी का जो निज़ाम है उसके अंदर ये बहुत ही अहम एक डिस्टिंक्शन है नेटिव और सेटलर। क्योंकि नेटिव के लिए हमारे यहाँ वैसे तो कोई लफ्ज नहीं है उर्दू में, आपने जबरदस्ती करके कोई उसके अंदर उसके लिए, अब हम देसी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं
मिसाल के तौर पे, मगर उसका वो खास, जब आप देसी कहते हैं तो उसका ये तासुर नहीं होता जैसे नेटिव का होता है, उसका तासुर जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। मगर ये नस्ली दर्जाबंदी का जो निज़ाम है वो सिर्फ गोरों और कालों के दरमियान नहीं है, वो फिर पूरे कल्चर के अंदर भी है। मिसाल के तौर पे मेरा एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था जो हैदराबाद से है कि वो वहाँ पे एक स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे फाइन लगाते थे अगर उर्दू बोलते हुए पकड़ लें आपको, तो वो 100 रुपए का फाइन लगाते थे, नहीं 50 रुपए का फाइन लगाते थे अगर उर्दू बोलते हुए पकड़ लें। बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे जिसमें ये होता है, और अगर सिंधी बोलते हुए पकड़ लें तो 100 रुपए का जुर्माना है। है तो यानी उर्दू बोलना जो है वैसे भी उर्दू बोलने से भी आदमी की अकल जायल होती है, मगर सिंधी बोलने से ज्यादा जायल होती है। ये भी एक पहलू। अच्छा ये खालिस, ये जो बात कर रहे थे ना आप, कि ये मैं वैसे कमाल की किताब है, मैंने मुझे पता ही नहीं था इस किताब, मैं तो जल्द से जल्द इस किताब को हासिल करूंगा, अजीज अहमद की जो किताब आप बता रहे हैं नस्ल और सल्तनत, बहुत, ये वही हैं जो मिगिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। कमाल है, बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने वाकई, इनके ऊपर कोई वो होना चाहिए, मोनोग्राफ होना चाहिए, है नहीं मेरे ख्याल में, या है कुछ लिखा गया, ज्यादा नहीं लिखा गया। हाँ तो ये तो कमाल की किताब है। इसमें जो ये पॉइंट था कि ये खालिस नस्ल की जो आप बात कर रहे थे, तो ये खली जो हमारा पैनल हुआ उसमें हम ये बात कर रहे थे कि ईरान का नाम ईरान पड़ा 1933 में, और वो भी यानी जब जो ईरानी सफीर उधर था यानी नाटसी गवर्नमेंट के असर रसूख की वजह से उन्होंने फारस से नाम यानी पर्शिया से उन्होंने नाम तब्दील करके ईरान किया ताकि वो आर्यन रेसेस यानी एक, और बल्कि उनका ये था कि बड़े हम प्योर आर्यन रेस हैं, ये उनके दिमाग में वैसे ये इस तरीके की सफेद फाम परस्ती उनके अंदर भी पाई जाती है जो कि जदीद है। मगर आप ये देखिए कि ये लफ्ज 1933 में अगर वो ईरान हुआ तो 1933 में ही नाम ईजाद हुआ एक पाकिस्तान, पाक भी तो खालिस ही है जी, पाक का तस्वर जो है वो भी खालिस ही है, और ये भी एक खालिस मुसलमान कौम बनाने की जो कि कोई, ये भी नस्ल परस्ताना ही एक जो तरीका है, और ये क्या कहते हैं इसे नौबादियाती निजाम से ही अख्स किया हुआ एक तसव्वुर है। आपका क्या ख्याल है इसके इन चीजों के बारे में? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे, पहले तो आपसे पूछ। अच्छा नहीं, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं इसका जिक्र करना चाहता हूँ कि दानियाल साहब ने इतनी अच्छी गुफ्तगू की, मैंने मौसीकी पे मतलब इतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं सुनी। इन्होंने जिस तरह मशरक़ी तो कहते हैं, बहरहाल यहाँ की मौसीकी और वहाँ की मौसीकी का जो फर्क, और इनके जो जहाँ एरियाज मिल सकते हैं पुरानी नई, और इतनी जिहाज से, और इसकी ओरलिटी टेक्सटुअलिटी इतने, और इतने उमदा तरीके से बयान किया, और फिर ये क्योंकि खुद म्यूजिक मतलब सुना भी रहते थे तो मेरा जी करता था ये बोलते रहे, और मैं इसलिए तस्वीर मैंने बंद की हुई थी और वो सुन रहा था। अब मैं हबीब यूनिवर्सिटी आया तो मैं जरूर इनके पास जाऊंगा और इनके पास बैठ कर कभी काफी वक्त गुजारूंगा और इनसे मैं काफी सीखूंगा। बहुत मुझे अच्छा लगा, और फिर उन्होंने उसका फोकस भी रखा कि ये जो इसके साथ आज की गुफ्तगू के साथ भी रखा, ये बहुत ही अच्छा। देखिये इस मौजू पे बहुत से मतलब गुफ्तगू की जा सकती है, और अभी मैं, लेकिन एक सवाल है अगर आप कहें तो मैं उसका जवाब दे दूं जो किसी ने भेजा हुआ है। उन्होंने पूछा कि क्या आज भी हमारे यहाँ जो सफेद फार्म जमालियात है मौजूद है या नहीं। देखिए इसका जो मुझे जवाब सूझता है, हो सकता है ये दुरुस्त ना हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो 19वीं सदी में, इसका मैंने इसलिए जिक्र किया कि वहां कुछ चीजें एक एस्टेब्लिश हुई उसके शुरू शुरू में आई, और वो कॉलोनियलिज्म का पहला फेज था, लोगों ने ज्यादा उसको कबूल किया, कम लोग उसके लिए क्रिटिकल थे, लेकिन आगे चलकर रफ्तार रफ्तार जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म के खिलाफ मुजाहमत हुई है तो ये सवाल, इन पे सवाल उठाए गए। मिसाल के तौर पर शुरू का जो नावल है 19वीं सदी का, वो तो बिल्कुल हकीकत निगारी की जो रिवायत है रियलिज्म की उसमें है, और वो सारा जो वेस्ट का जो कैनन है उसको लेके चलता है।
लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो चैलेंज इसको किया हमारे इंतजार हुसैन ने किया। इंतजार हुसैन ने कहा कि नावल की जो फिक्शन की ये जो तारीफ अब तक हम मगरिब से सुनते आए हैं ये नहीं है, मगरिब इसके अलावा भी जो कहानी कहने की बहुत सी रिवायात है, और इसीलिए उन्होंने जो हिंदुस्तानी कहानी की रिवायत थी या जो बाकी असातीर थी या सूफिया के मलफूजात थे, तो उन्होंने जो मशरक था खासतौर मशरक में हिंदुस्तान को शामिल किया, वस्त एशिया को शामिल किया, अजम को, ईरान और अरब को, इनको सबको शामिल करके उन्होंने वहां जो कहानी की रिवायात थी वो उनको ले आए। तो ये एक तरह से जो नावल में और फिक्शन में सफेद जमालियात का गलबा था उसको तोड़ने की कोशिश की, और फिर इसको आगे लोगों ने बहाया, आगे भी चले। जिस हमारे यहाँ नावल शमशेर तारण ने बहाव नावल लिखा वो, और फिर उसके बाद हमें नैयर मसूद नजर आते हैं, उन्होंने इस सिलसिले में काफी काम किया और बिल्कुल एक और नई तर्ज का एक फिक्शन लिखा जो बिल्कुल यहाँ का नजर आता है। इसी तरह बाद में शमसुर्रहमान फारूकी ने जो कई चांद थे सरे आसमां नावल था, वो सारा एक मुकम्मल एक पोस्ट कॉलोनियल नावल है, और जिसमें वो जितनी एक कॉलोनियल पीरियड में हिंदुस्तान के बारे में जो आरा कायम की गई थी उनको उन्होंने डिकंस्ट्रक्ट किया है। तो वो हमें नजर आता है सफेद जमालियात को यानी चैलेंज करने के हमारे यहाँ रवैये तो चंद बड़े बड़े हैं ना, और भी बहुत सी छोटे से मिसालें हैं। शायरी में आप देखिए कि 19वीं सदी में जो नई नज्म शुरू हुई है वो गजल की मुखालफत की बुनियाद पर शुरू हुई, और आगे चलकर गजल की मुखालफत बहुत से नकादों ने भी की, जिनमें कलीमुद्दीन अहमद तो यहाँ तक चले गए कि जो गजल है ये एक नीम वैशी सिंफे सुखन है। और अगर आप देखें तो उनकी जो ये नीम वैशी की जो तरकीब है ये बिल्कुल वही है जो 19वीं सदी में हिंदुस्तानी को नीम वैशी कहा जा रहा था। तो उन्होंने काफी मुखालफत, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए गजल अब तक चली आती है, गजल के अंदर उसकी फॉर्म तो वही रही है लेकिन गजल के अंदर बहुत सी अच्छी तब्दील हुई है वक्त के साथ साथ, लेकिन वो गजल एक जो हमारी एक अदबी इजहार है, हमारी तहजीब का भी, हमारी हमारी हस्ती और हमारी वजूद का भी, और हमारा एक तख्लीकी दर वो अब तक मौजूद है, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो मकबूल है वो मौजूद है। इसलिए नज्म में भी जो अगरचे 19वीं सदी में सफेद जमालियात का सबसे बड़ा मजहर बनी और वो एक कौम परस्ती को आगे लेके चली, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि इसमें जैसे मीरा जी जैसे लोग आए या राशिद आए, मजीद अहमद आए, मुनीर नदवी और कई लोग आए, उन्होंने इसको फॉर्म तो वही रखी जो वेस्ट की फॉर्म थी लेकिन उसको अंदर से बहुत तब्दील किया। तो लिहाजा हमें वो कोशिश जरूर नजर आती है सफेद जमालियत चैलेंज करने की। हाँ, अंग्रेजी का जो तस्वुर था मैं समझता तो हूँ अब तक मौजूद है, कि जिस तरह सैयद अहमद खान की जो मैंने कोटेशन पढ़ी और जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपको दिमागी तरक्की आपको चाहिए तो वो तो वर्नाकुलर से नहीं हो सकती, तराजम से नहीं हो सकती, वो उर्दू और से नहीं हो सकती, वो आपको अंग्रेजी की तरफ जाना होगा। ये रफ्तार रफ्तार ज्यादा मुस्तहकम हुआ है ये हिस्सा जो खासतौर पर अंग्रेजी वाला जो था, अंग्रेजी जुबान का मतलब देखिए ना, हमारे यहाँ अगर कोई आदमी सिर्फ अंग्रेजी बोलता है वो उसको अंग्रेजी में लिखे गए उलूम से उसको वास्ता है या नहीं, इससे हटकर अगर वो अंग्रेजी महज बोल लेता है, फर-फर अंग्रेजी बोल लेता है, बहुत फ्लुएंट अंग्रेजी में, तो वो इस मुहजब भी है, साहिब इल्म भी है और मुक्तदिर भी है, उसको ये सारी हैसियतें हासिल है। ये नहीं खत्म हो सका, इसको हम डीकोलोनाइज नहीं कर सके। बाकी अदब की कई असनाफ में हमने करने की कोशिश की है, और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी फिक्शन एक आया है उसको जो शोहरत मिली है, ये भी एक नया फिनोमिना है जो 21वीं सदी का फिनोमिना है, और खासतौर पर जो 9/11 के बाद आया है, उस अंग्रेजी फिक्शन को मैं किसी का नाम ये नहीं कह रहा कि वो छोटे लिखने वाले हैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं फिनोमिनन की बात कर रहा हूँ कि वो इतना मकबूल हुआ है कि उर्दू के किसी राइटर को जिनके तराजम भी उनको वो मकबूलियत नहीं मिली जो इसको मिला है। तो इसके पीछे भी अगर आप देखें तो उसमें अंग्रेजी का बुनियादी किरदार, अंग्रेजी जुबान का, और वही जो हमारा एक बना है कि वो समझते हैं कि मतलब जिस दुनिया में पॉपुलर हुआ है वो ये समझती है कि अगर हम अपना यहाँ के लोग अगर इजहार अंग्रेजी में करेंगे तो वो दुनिया उसको सुनेगी, अगर हम अपनी जुबानों में इजहार करेंगे और वो तराजम के जरिए भी जाएंगे तो हम उसको नहीं सुनेंगे। तो यहाँ भी आप देखेंगे अंग्रेजी के सिलसिले में वो आप बहुत डीप सतह पे एक नस्ल परस्ताना रवैया नजर आता है। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर इंतजार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, मुस्तनसर तारा, नैयर मसूद, असद महमूद खान, इतने बड़े बड़े फिक्शन निगार हमारे यहाँ मौजूद है, शब्दुल्लाह फारूकी, तो मिर्जा अतर बेग, ये बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, और अभी हाल ही में एक नावल रिफत अब्बास का आया नमक का जीवन पर, और जिस वो भी एक पोस्ट कॉलोनियल नावल है, सराइकी से उर्दू में तर्जुमा हुआ है, तो उनमें लेकिन इनके अगर अंग्रेजी तर्जुमे होंगे तो उनको मकबूलियत नहीं मिली, और बहाना क्या कि जनाब अच्छी अंग्रेजी नहीं है, ये तो नहीं, तो यहाँ जो सफेद जमालियात का गलबा है वो यहाँ मौजूद है इसका। तो ये इंतजार हुसैन का आपने जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है कि वो अक्सर कहते इस्तेलाह करते हैं तंजन रह रहे,
कि हम काले लोग इस तरीके का है, हम काले लोग या हम जो मौलवी हैं ना मिस्टर, ये तो वो अक्सर इस तरीके का उनका जो खास अंदाज है उसमें वो कहते हैं। तो मगर उससे जाहिर है, साफ जाहिर होता है कि उनमें एक नस्ली शऊर था। ज्यादातर तो हमारे यहाँ जनूबी एशिया में खास तौर पे मेरे ख्याल में ये पूरा, क्योंकि जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं और जो गुफ्तगू पिछले दो रोज भी हम करते रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि पूरा जदीद निज़ाम जो है वो एक नस्ली निज़ाम है। मगर साथ साथ कमाल ये है कि वो बिल्कुल हर तरफ मौजूद होते हुए भी ओझल है, बल्कि लोग इस पे गुफ्तगू करना ही नहीं चाहते, जिसका मेरा ये ख्याल है कि मेरे ख्याल नस्ल परस्ती ने एक तरीके अख्तियार की, बहुत ही सटल तरीके से बहुत डीप सतह पे वो जाती है और लिहाजा लोगों को फौरन नजर नहीं आता। मेरे ख्याल ये जो कॉन्फ्रेंस करवा रही है, डिस्कशन, इससे शायद थोड़ा सा लोग रियलाइज करें, तो वरना तो वो बहुत गहरी सतह पे मौजूद है ना। अब उस गहरी सतह में उनको बाहर लोग, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो लिखने वाले, जब उनको बाहर लाएंगे तो फिर पता चलेगा। जिस तरह दानियाल साहब ने, जिस तरह मतलब इस मौसीकी को किया, अगर इस तरह की गुफ्तगुएं ज्यादा हो, आम लोग सुनना शुरू करें, हमारे सुनने की जो रिवायत खत्म हुई है मौसीकी को सुनने और पहचाने, तो मेरे ख्याल रफ्ता रफ्ता होगा। अब चूंकि हमने खुद ही इनको छोड़ दिया ना, जिस तरह मैंने कहा कि जो नेटिव है वो तो उसकी जो सनद है उसको तो जो गोरा सनद देगा तो वो यहाँ के लोग कबूल करेंगे। तो असल बात ये कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोगों की बात को कबूल करना बहुत आम है। वो यहाँ के लोगों की बात उस वक्त कबूल करते हैं जब वो या तो अंग्रेजी में आप कहें या वहां का कोई आदमी आके कहे। मेरे ख्याल इसको, जिसको दानियल साहब ने कहा पराई नजर, तो जब तक हम पराई नजर का जो गलबा है, जो आसिम की तरह पे है, जब तक हम इसको नहीं हटाते तो ये मुमकिन नहीं कि हमें नजर आए कि कितनी गहरी से तभी सब। इसकी गहराई के बारे में एक चीज में ये मेरे जहन में आ रहा था, जब आपने बहुत बेहतरीन नॉवल चुना जिसपे आपने काफी गुफ्तगू की, इब्नुल वक्त, जो कि इस नस्ली सारे मसले पे बहुत ही सही नॉवल जो है, मतलब इसके बारे में सोचने के लिए बेहतरीन नॉवल है। उसके अंदर बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो आपने बात की थी कि वो कहता है सल्तनत होना जरूरी है, मगर उसके साथ एक और चीज, जब वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ता था इब्नुल वक्त, क्योंकि वो 1857 दिल्ली कॉलेज का ही ग्रेजुएट था इब्नुल वक्त जो था, वहां पे उसका शोभा क्या था वो याद है आपको? तारीख, क्योंकि तारीख, ये जो तारीखियत है, और ये मैं आपसे भी और दानियाल से भी, क्योंकि दानियाल ने टेम्पोरैलिटी यानी वक्त के मुख्तलिफ, वक्त को महसूस करना या वक्त को समझना, बल्कि के मुख्तलिफ तरीके जो हैं, तो ये तारीख जो है, क्योंकि ये नस्ल परस्ती, जदीद नस्ल परस्ती जो है वो सिर्फ हयाती आती नस्ल परस्ती नहीं है, उसकी बुनियाद सिर्फ हयाती आती नहीं है। एक तो हयाती आती है वो भी जदीद है, साइंसी हयाती आती बरतरी गोरों की, दूसरी तरफ उनकी तारीखी बरतरी, और इसमें नस्ल और तारीख जो है वो बिल्कुल आपस में जुटे हुए ना, जो कि यानी 19वीं सदी के अवाखिर में ये जो सोशल डार्विनिज्म, यानी डार्विन का भी आपने जिक्र किया था अकबर अलाबादी, तो सोशल डार्विनिज्म में तो तारीख और नस्ल बिल्कुल जुट गए, बिल्कुल आपस में जम हो गए बल्कि। सो मेरे ख्याल में ये और ये जो मौसीकी की भी आप बात कर रहे हैं दानियाल, उसके अंदर भी ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपको होता है ना बिल्कुल। इसमें पहले तो यही था कि ये सोचा जाता था कि हमारा मतलब मगरबी सोच ये थी कि हमारा म्यूज़िक जो है वो तारीख के साथ साथ, वक्त के साथ साथ डेवलप हो के एक हाई आर्ट म्यूज़िक, उसको इसी वजह से कहा गया ना कि एक वो हाई आर्ट बन चुकी है, और बाकी खितों का म्यूज़िक वो इट्स फ्रोजन इन टाइम ना, बिल्कुल वक्त वो डेवलप नहीं हुआ है, या वो आगे नहीं गया, या उसमें जदीदियत नहीं आई, या उसमें कोई चेंज नहीं आया। और वो आपने शुरू क्योंकि सरमायादारी निज़ाम के उससे किया था, एक्चुअली यही चीज़ सरमायादारी के उससे भी आके इस तरह जुड़ गई कि उन्होंने फिर अपने अपनी मार्केट में हमारे म्यूज़िक को इस तरह मार्केट किया कि ये वो म्यूज़िक है जो हज़ारों सालों से ऐसा ही है, ये वही ओरिजिनल चीज़ आपको सुना रहे हैं। ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, इन चीज़ों के ऊपर, हमारे म्यूज़िक के ऊपर फिर वही मुनाफा और प्रॉफिट उसी तरह किया गया, ठीक है। और इससे हुआ ये कि
हम लोगों ने खुद भी इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लिया कि जी वाकई ये सब डाइंग ट्रेडिशंस हैं, और इसके ऊपर आप देखें हाल में भी कई फिल्म्स और बहुत जगह आपको ये नैरेटिव नज़र आएगा कि ये डाइंग ट्रेडिशन है। हर वक्त ये डाइंग ही होता है, जब भी इसको लोग आके फिल्म बनाते हैं तब भी वो डाइंग होता है, जब इसको बेच के पैसे कमा लेते हैं तब भी ये डाइंग ही रहता है। ठीक है, तो इस नज़रिए से जो उसकी लिविंगनेस है, उसकी जो वाइटैलिटी है, उसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और इसमें हमारे हमारे लोगों ने भी इससे प्रॉफिट किया कि उस चीज़ को इस तरह प्रेजेंट करना जिस तरह ये बिल्कुल आउट ऑफ हिस्ट्री है, वही जो पीपल विदाउट हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है, वो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी हमें नज़र आती है। तो इसका ये बिल्कुल ऐसे ही है, मौसीकी में भी बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि इसको तो प्रॉफिट किया गया है इस सोच के ऊपर काफ़ी। अब ये नासिर साहब आप कुछ कहने वाले थे? हाँ नहीं, बस मेरे को काफी जो मैं जो कहना था कह दिया बस। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक तो हमारे कॉलीग बशारत ईसा जो कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज यानी तकाबुली अदबियात के शोबे में पढ़ाते हैं, उनका सवाल है हाउ डू यू सी द इनिशिएटिव्स लाइक कोक्स स्टूडियो एटसेट्रा इन दिस रिगार्ड, इज इट डूइंग एनी गुड टू क्लासिकल और फोक म्यूजिक? जी ये तो सवाल अक्सर आता ही है, क्योंकि आजकल मौसीकी पे बात करना और कोक स्टूडियो पे ना बात करना ये तो मुश्किल हो गया है। और मेरे ख्याल से ये उसी बात की एकासी करती है कि देखें कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म या जो इस वक्त मैार बन चुका है मौसीकी का हमारे मुल्क में, वो कोका कोला वालों की तरफ से हमें मिला है। और मतलब मेरे हिसाब से जो कोक स्टूडियो है वो, मैं तो उसको एक एड्स की तरह देखता हूँ कि म्यूज़िकल एड्स हैं ये, कि एक एक कंपनी जो है अपनी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे लगाती है म्यूज़िक में, और उसमें यकीनन कई ज़बरदस्त चीज़ें भी होती हैं, और अगर ना भी हो तब भी वो पैसा लगाती रहती है और कहानी आगे चलती रहती है, और ये एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड बन चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से यही हमारे लिए सोचने का तो यही है ना मौका है, और सारा जो मकाम है वो यही है कि अगर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का अपनी प्रोडक्ट को बेचने का का तरीका, एक वो सबसे बड़ा म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो इससे क्या हमें मालूम होता है कि मौसीकी का इस वक्त क्या हाल है या बात किस तरफ जा रही है। तो अगेन गुड टू क्लासिकल और फोक म्यूज़िक, ज़रूर काफ़ी फोक काफ़ी आर्टिस्ट को सपोर्ट भी किया है कोक स्टूडियो ने, काफ़ी लोगों ने इससे बेनिफिट भी किया है, माली फ़ायदा भी हुआ है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये क्योंकि वाहिद है, और ये वाहिद तो खैर नहीं है लेकिन एक प्राइमरी क्योंकि प्लेटफॉर्म बन चुका है, मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए कि ये कैसे हुआ, ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ये ऐसे है तो फिर बाकी हालात किस तरह के हैं। तो आई थिंक मैं तो ये बोलूँगा इसके बारे में। सही, गुफ्तगू तो बहुत की जा सकती है, आप दोनों ने बहुत ही माशाल्लाह शानदार गुफ्तगू की और ये तमाम मामले को खोल के रख दिया, मगर हमारा वक्त जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है, तो अब हमें प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। अब बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, और ये दानियाल तो मेरे यार हैं तो मैं फिर भी इनका भी बहुत जी शुक्रिया बहुत अदा करूँगा। आप दोनों ने शुक्रिया, बहुत ही कमाल एक हमारे लिए खूब मवाद फिक्र हमें मुहैया किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।